यस स्टूडेंट्स, आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि कल 18 तारीख से हमारा मैथ का स्पेशल एच टेट के लिए टीजीटी एंड पीजीटी का नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा? सबसे पहले ये बैच हमारा रिकॉर्डेड बैच है, जिसमें आपको पूरा सिलेबस अच्छे से डिटेल में रिकॉर्डेड मिलेगा, जिसे आप कितनी बार किसी भी वीडियो को बार बार देख के अच्छे से समझ सकते हैं। उसमें आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, जिसमें आपके एचटेट के पिछले जितने भी पेपर हैं सभी सोल्व करवाए जाएंगे, वो भी डिटेल के साथ सोल्व करवाए जाएंगे। ठीक है, जो आपके इसके नोट्स हैं वो सभी आपको पीडीएफ फॉर्म के अंदर मिलेंगे, जिसके अंदर जो फॉर्मूलेज हैं, शॉर्ट ट्रिक्स हैं, सभी आपको मिल जाएंगी। उसके बाद है, अगर फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम रह जाती है, किसी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है, किसी फंक्शन जो आप सोल्व कर रहे हैं उसके अंदर आपको कोई डाउट आ रहा है, तो उसके लिए आपसे लाइव गूगल मीट में की जाएगी, जिसके अंदर आप हमसे कोई भी प्रॉब्लम्स है आपकी, किसी क्वेश्चंस को लेके है, कोई सोल्व नहीं हो रहा है, कोई फॉर्मूला आपको समझ नहीं आ रहा है, तो हम वो अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपकी जो है वो लाइव क्लासेस चलेंगी, जो भी हमारे पिछले पेपर्स हैं या जो भी हम टॉपिक कर रहे हैं उसके लिए, जो भी नए क्वेश्चंस जो ज्वाइन कर सकते हैं हम, जो भी नई प्रैक्टिस कर सकते हैं उनके लिए आपके पास क्या आ जाएंगी, हमारी लाइव क्लासेस चलेंगी। ठीक है, रिकॉर्डेड बैचेस, रिकॉर्डेड क्लास के अंदर आप सभी को बार बार देख के कर सकते हैं। उसके बाद हम, जैसे ही आपका कुछ टाइम होगा, उसके बाद लाइव क्लासेस के अंदर एमसीक्यू जो है वो प्रैक्टिस करवाएंगे। तो जो भी बच्चे इसके एचटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सभी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। टीजीटी एंड पीजीटी के लिए ये स्पेशल बैच रहेगा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अभी आपका 9 तारीख को हमारा पीजीटी स्क्रीनिंग का पेपर हुआ था, जो हमारे एचपीएससी ने लिया था। ठीक है, जिसका जो प्रिंट है वो साइट के ऊपर भी आ चुका है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन में आपको सिर्फ आंसर टिक नहीं करवा रही हूँ मैं, आपको हर क्वेश्चन को किस टॉपिक में आया है वो भी आपको बताएंगे, कौन से चैप्टर से आया है और उसके अंदर हमने क्या क्या फॉर्मूले यूज किए हैं, वो सब कुछ। ठीक है, तो डिटेल से हम इस पेपर को सोल्व करेंगे। यहाँ से जैसे अब हम पेपर आप देख रहे हो आप स्क्रीन के ऊपर, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, ये सभी क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन जो है वो लगातार हमारे किसके ऊपर से आए हुए हैं, सेट रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक से आए हुए हैं। पहला जो है वो भी इसी का है हमारा, सेकंड जो है वो भी हमारे पास इसी में से, एंड थर्ड भी। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ पे फर्स्ट को देखे ध्यान से, क्या कहता है, ए एंड बी द सेट ऑफ, यहाँ पे कंटेन टू एंड फोर एलिमेंट, दो सेट आपको दिए गए हैं, एक ए सेट दिया गया है उसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो दो है, फिर एक बी सेट दिया हुआ है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट आपके चार है। अब क्वेश्चन क्या पूछा, नंबर ऑफ सब सेट ऑफ ए क्रॉस बी के, तो इसके अंदर देखो एक ही क्वेश्चन के अंदर उसने दो या तीन स्टेप डाल दिए। सबसे पहले तो क्या पूछा, ए क्रॉस बी, तो पहला आपका स्टेप रहेगा कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी फाइंड करें। तो नंबर ऑफ ए बी के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी, मतलब कि 2 × 4, तो ये हमारे पास आ गया 8। ठीक है, फिर हम जाते हैं अगले स्टेप पे, क्या कहता है, नंबर ऑफ सबसेट बताने हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट के लिए आपने क्या फॉर्मूला याद किया है, नंबर ऑफ सबसेट, तो नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 पावर नंबर ऑफ ए इंटू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बी, मतलब कि टोटल 2 की पावर 8। अब अगर इसने सिर्फ इतना ही क्वेश्चन पूछा होता कि नंबर ऑफ सबसेट, तो आपके पास क्वेश्चन मिल गया था जिसका आंसर हमारे पास हो जाता 2 की पावर 8 करते 256। बट ध्यान से देखें, क्वेश्चन को चेंज कर दिया, कहते 3 or more element, ठीक है, जो सबसेट है उसके अंदर आपको सिर्फ 3 या 3 से ज्यादा एलिमेंट वाला सेट बनाना है। ठीक है, तो क्या चीज कह रहा है, मतलब कि जब हम सबसेट बनाते हैं तो सबसेट के अंदर तो हमको खाली सेट भी लेते हैं, फिर एक अकेला सेट, फिर दो, फिर 3 3 के पेयर, तो हमें यहाँ क्या करना है, 3 और 3 से ज्यादा वाले बनाने हैं।
मतलब कि उसमें से जिसमें हमने कोई एलिमेंट लिया एम्प्टी वो हटा दो, फिर वन एलिमेंट वाले हटा दो और फिर टू एलिमेंट वाले। तो इसके लिए हमारा क्या फॉर्मूला बन गया जो इसने क्वेश्चन दिया कि 2 की पावर 8 माइनस कर देंगे, टोटल 8 एलिमेंट है उसमें से 0, 8 एलिमेंट है उसमें से एक एक एलिमेंट वाला सब्ट्रैक्ट कर दो और फिर उसमें से किसको माइनस कर दे, 2 एलिमेंट वालों को। तो क्या रिजल्ट आ गया आपके पास, यहाँ से सोल्व किया तो 256, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 8 आ जाएगी, कम्बिनेशन अगर खोलते हैं तो 7/2 × 1 4 आ जाएगा। तो 256 माइनस 1 माइनस 8 माइनस 28 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा इसके अंदर 219। क्लियर भाई, क्या कहो गया, एक ही क्वेश्चन में इसने तीनों चीजों को डाल दिया। सबसे पहले ए क्रॉस बी पूछा तो हमने ए क्रॉस बी निकाल दिया, फिर ए क्रॉस बी का सबसेट पूछा तो हमने उसके एलिमेंट निकाल लिए, पर उसके अंदर भी उसने कहा कि हमें जी खाली वाला, वन एलिमेंट वाला और टू वाला नहीं चाहिए। तो हमने पूरे सेट में से जो एम्प्टी बनेगा वो निकाल दिया, जिसके अंदर एक एक एलिमेंट आएगा वो निकाल दिया, और जिसके अंदर दो दो एलिमेंट आएंगे वो निकाल दिए। और दो दो निकालते हैं तो क्या होते हैं, कम्बिनेशन का यूज करते हैं। ये इसी क्वेश्चन को वो एक और तरीके से भी पूछ सकता था भाई, ठीक है, तो ये ध्यान रखोगे, क्या पता अगली बार ऐसे पूछ ले। अब क्या बोल दिया उसने, कहता है कि 3 और मोर, इसी चीज को वो आपको क्या भी लिख सकता था, एट लीस्ट, ठीक है। तो ये चीज नोट करते जाएंगे कि क्वेश्चन का बदल सकता था वो आप। अब उसने बोला कि 3 एलिमेंट या 3 से ज्यादा, या फिर वो वर्डिंग बोल सकता था एटलीस्ट 3 एलिमेंट होने चाहिए भाई, कम से कम 3, उससे ज्यादा सारे। तो कम से कम 3 के अंदर भी हम क्या करते, खाली वाला, एक वाला और दो वाला क्या करेंगे, हटाते जाएंगे, ऐसे कितना भी बोल सकता है, ठीक है, डन। नेक्स्ट में अब वो क्या कहते हैं हमको, यहां से नेक्स्ट के अंदर सेकेंड क्वेश्चन के अंदर क्या आ जाता है, फंक्शन के लिए बोल दिया उसने अपने को कि x+2y x-2y किसके इक्वल है, क्या रिलेशन है xy का, तो आपने xy की वैल्यू निकालनी है। तो आप इसके लिए जस्ट क्या कर लेंगे, सबसे पहले क्या है हमारे पास, f x प्लस में 2y और x-2y इक्वल टू xy, तो आप सबसे पहले इसको अलग नाम दे लीजिए, x-2y इज इक्वल टू t नाम दे देते हैं, x-2y को हम s नाम दे लेते हैं। तो यहाँ कैलकुलेशन करके xy निकाल लो, दोनों को ऐड कर दे तो ये कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी t प्लस s बाय 2, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें तो y की वैल्यू आ जाएगी t माइनस s बाय 4। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर t s ले तो क्या फॉर्मूला बन रहा है, t प्लस s बाय 2 इंटू टी माइनस एस बाय 2। मतलब कि जब भी हम यहाँ टी एस लेते हैं तो रिजल्ट आएगा टी स्क्वेयर एस स्क्वेयर बाय 4 है, तो 4 × 2 = 8 आ जाएगा। पर इसने क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, एफ एक्स वाई, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर बाय 8 आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, सबसे पहले जो भी ब्रैकेट में वैल्यू दी हुई है उनको नया नाम दे लीजिए, फिर उसको किस में कन्वर्ट कर लीजिए, एक्स और वाई के अंदर, प्लस माइनस वो आपने करनी है। उसके बाद सिंपल रिजल्ट के अंदर पुट कर दिया, टी के अंदर पूछा होता तो हम आंसर टी में ही दे देते, बट उसने एक्स वाई है तो वापस किस में कन्वर्ट कर देंगे, एक्स वाई में। तो यहाँ से हमारे पास इसका ऑप्शन आ गया कौन सा, सी आंसर आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा उसने हमें, ध्यान से, थर्ड थोड़ा सा उसने हमें कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। कहते हैं जी जो है वो एक फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट का, एफ ओ जी जो जी ओ एफ जो है वो भी दिया हुआ है, तो कहते हैं एफ फोर निकालो। तो फोर तो बाद की बात है, सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एफ फंक्शन निकालना पड़ेगा। तो देखें इसको यहां से, ये तो हमारे पास क्या दिया भाई, सबसे पहले एफ ओ जी जो दिया है उसे लियो, ये किसके इक्वल है, ये हमारा 4x² - 10x + 5, इसका मतलब ये g fx हो गया,
फोर एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5, तो fx क्या हो जाएगा भाई आपका, g इनवर्स 4x स्क्वायर 10x प्लस 5। तो अब सिंपल सी बात है, बिल्कुल अगर समझे हम क्वेश्चन को, तो अगर हमें कहीं से g इनवर्स मिल जाए कहीं से, तो हम ये वाला जो वैल्यू है उसमें पुट कर देंगे और हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, fx की। तो जी इनवर्स निकालने के लिए इसने अपने को जी दे रखा है भाई, आ जाओ साइड में, कितना जी एक्स इक्वल टू दिया इसने एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 38। इसको जस्ट एक बार वाई मान लेते हैं, ठीक है, इनवर्स निकालना सिखा रखा है आपको अच्छे से। क्या करेंगे, इसको परफेक्ट स्क्वेयर बना दो, यहाँ से परफेक्ट स्क्वेयर का मेथड क्या होता है, डिवाइड का स्क्वेयर कर ले, तो 9 ऐड कर लेते हैं और 9 ही सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वेयर बन गया x माइनस 3 का स्क्वेयर, इसको सोल्व करेंगे तो प्लस के 27, तो ये आ गया y माइनस 27 x माइनस 3, हमारे पास आ गया रूट y माइनस 27 यहाँ से, ठीक है, 3 इधर रह जाएगा। तो हमारे पास, हमें पता चल गया कि g इनवर्स जो है वो क्या आ जाएगा, तो रूट x माइनस 27 प्लस 3, ठीक। तो बस क्वेश्चन में हमें जरूरत भी किसकी थी, यहाँ पे इनवर्स की ही जरूरत थी, तो जो भी ये वैल्यू है उसको किस में पुट कर दें, इनवर्स में, तो हमारे पास आ जाएगा एफ एक्स। तो इनवर्स में रखो रूट एक्स की जगह क्या रखेंगे, 4x² माइनस 10x प्लस 5 माइनस 27 प्लस 3, ठीक है भाई ये। तो अगर इसने हमसे फंक्शन पूछा होता तो यहाँ पे हमारा जवाब खत्म हो जाता, ठीक है। फिर से ध्यान से देख लीजिए, सबसे पहले इसने हमें क्या दिया, जीओ एफ दिया, जीओ एफ के अंदर से हमने क्या निकाल लिया, यहाँ पे जीओ एफ है तो जी एफ एक्स आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, पर यहाँ एफ है तो जी है वो इस साइड जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो हमें पता चल गया कि एफ एक्स जो है वो जी इनवर्स में है, तो जी इनवर्स चाहिए। तो जी अगर आपको फंक्शन दे रखा है, इनवर्स निकालना कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी टॉपिक है, तो वाई के इक्वल रख लेंगे, वाई के इक्वल रख के यहाँ परफेक्ट स्क्वेयर बनाया जाता है, परफेक्ट स्क्वेयर के बाद यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल ली हमने, एक्स की, एक्स की निकल गई तो वो क्या हो गया हमारा, जी इनवर्स। फिर सिंपल बात रहेगी, तो जो भी इसने ब्रैकेट में दिया हुआ है वो हमने किस में रख दिया, इनवर्स में। पर इसने हमसे एफ एक्स की वैल्यू ना पूछ के किसकी पूछी है भाई, फोर की, तो फोर रख देते हैं, करें कैलकुलेशन जरा, 16 यहाँ से 64 आ जाएगा, 40 आ जाएगा, और इसको माइनस अगर यहाँ पे करें 64 40 और यहाँ माइनस करें तो 24, बिल्कुल इजी, ये कैंसिल ही हो गया, तो रिजल्ट आपका क्या रह गया, 3 रह गया यहाँ पे, ठीक है भाई ये चीज, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसका 3 ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था पर इतना मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा वो आ रहा है कि हम इसको ऑब्जेक्शन के लिए उठा सकते हैं, क्योंकि इसके जो ऑप्शन है, ऐसे तो वो ऑप्शन आंसर नहीं है, ठीक है, बट जो इसके जो ऑप्शन है उसमें मिसप्रिंट है, यहाँ पे पी होना चाहिए, ठीक है, तभी इसको जो ऑप्शन है उनको करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। पर फिर भी हम सोल्व कर लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन था, किसका था ये हमारे पास, प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन से क्वेश्चन था। प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन इतना इजी टॉपिक है और उसमें से भी दो क्वेश्चन आए हुए हैं भाई, बिल्कुल इजी। क्या कहता है, एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 41 जो है वो एक प्राइम नंबर चेक करना है और इसमें से बताना है। तो सिंपल सी बात थी भाई, पुट कर लो, 5 अगर रखते हैं तो 25 माइनस 5 प्लस 41 हो जाता है, तो कैलकुलेशन कर ले यहाँ से 20, तो ये आ गया 61, और 61 क्या है, एक प्राइम वैल्यू है। फिर पुट करके देख लेते हैं 3, 3 को रखते हैं तो 9 माइनस 3 प्लस 41 आ जाता है, तो कर लेते हैं 6 आ जाएगा, यहाँ से 3 हो गया तो 6 और 6 करेंगे तो 47, और 47 भी हमारा क्या है, एक प्राइम नंबर, मतलब कि दोनों ही कंडीशन क्या है, ट्रू, तो यहाँ से सी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम किसके, बाइनोमियल के क्वेश्चन पे, फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो हमारा किसका है, बाइनोमियल का, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 7 से पूछा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ देख के लग रहा है कि ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल देख के लग रहा है कि मुश्किल है, क्योंकि 10 पावर इसकी सोल्व करना, 9 पावर इसकी,
चाहे हम बाइनोमियल से जर्नल भी निकालें तो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, सिर्फ देखने में। थोड़ा सा अगर ध्यान दिया जाए तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये हमारा। अगर थोड़ा सा ध्यान दो तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये जीपी सीरीज है एक, ठीक, तो पहले इसी का रिजल्ट ही निकाल लो यहाँ पे, ठीक है। ये तो ये सीरीज हमको क्या दी हुई थी उसने कि 1 + x^10 x 1 + x^9 x^2 + x^8 x^10। अगर बाइनोमियल से इसको पूरा सोल्व करने लग जाओ तो बहुत ही ज्यादा लेंथी है, सोल्व नहीं हो सकता, ठीक है, बहुत ज्यादा। बट अगर हमने इसको ध्यान से देखा होता तो ये जीपी था और जीपी के अंदर फर्स्ट टर्म 1 + x^10 बन रही थी और कॉमन रेशियो इसको डिवाइड करें तो x/1 + x बन रहा था। तो यहाँ से इसका सम निकालें तो आपको फॉर्मूला लर्न ही है, 1 - r^(n/1 - r) कर ले तो a की वैल्यू क्या रखोगे, 1 + x^10 1। कितने टर्म्स है हमारे पास टोटल, 11, तो इसका मतलब x^(11) + x^(11 (1 - x^(1 + x)। थोड़ा सा कैलकुलेट करें, ज्यादा मुश्किल नहीं है अगर करें तो, यहाँ से तो 1 + x^10 रहेगा, यहाँ से अगर करें तो अंदर हो जाएगा 1 + x^(11) - x^(11, ये डिवाइड में आ जाएगा 1 + x^(11, यहाँ से इसको रेसिप्रोकल करें तो x + 1 - x कैंसिल, ये सारा इससे कैंसिल। तो देख लो क्वेश्चन कितना इजी बन गया कि ये जो वैल्यू है ये पूरी ही वैल्यू 1 + x^(11) और x^(11) के इक्वल है, सिंपल, ठीक है। और मेरे ख्याल में अब इसमें अगर आपको x^(7) चाहिए तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है क्योंकि x^(7) इसमें तो आएगा नहीं, सिर्फ इसी में आएगा, इसी में आएगा तो इसका मतलब अपने को 11c7 1 की पावर डिफरेंस लेंगे तो 4 और x^(7) कितनी, तो 11c7 ही सोल्व करना था, सिंपल। तो 11c7 के लिए क्या कर लेंगे, 11 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 8 हो जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 और 1, तो ये सारा कैंसिल, ये 3, तो आंसर क्या आ जाएगा, 330 आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी हमारी सीरीज है उनको थोड़ा सा ध्यान से देख के किया करे, यहाँ से सिंपल ये जीपी था, जीपी के अंदर हमने कैलकुलेट किया तो ये सिंपल 2 टर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया और 2 टर्म के अंदर कोई भी कोफिशियंट पूछ ले कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास आंसर जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, 330 हो जाएगा, ठीक है। अब ये आ गया हमारा कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। इसके ऑप्शन जो है उसके अंदर जो है आंसर की के अंदर जो आंसर दिया हुआ है वो रोंग है, उसके लिए हम इसका ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं, ठीक है। तो कैसे, पहले सोल्व करके देते हैं। इसमें जो आंसर है वो आंसर की में 2 दे रहा है पर जब इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो आंसर जो है वो हमारा क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। तो कैसे किया, यहाँ से, ठीक। तो इसने 2 रिजल्ट दिए हैं जिनका आप ध्यान दोगे, x - z (z-α, z+) और ये प्योरली इमेजिनरी है, ठीक है। और यहाँ से क्या कहता है कि z का जो मोड है वो कितना है, 4 है। तो सबसे पहले आप z को मान लो x + i, तो पहले इसी को करके रख लो भाई। तो z का अगर हम मोड लें तो क्या हो जाएगा, x² + y² = 4। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल गई x² + y² = 60, छोड़ दो इसको। अब यहाँ पे सिंपल आप इसको सोल्व कर सकते हो, x + i(-α, x + i(y+α) रैशनलाइज कर ले तो x + α - i(y, x + α - i(y) यहाँ पे। तो रियल पार्ट अलग कर लो और इमेजिनरी अलग कर ले, मल्टीप्लाई करें तो हमें सिर्फ क्या दिखाना है, प्योर इमेजिनरी है। तो इस वर्ड का मतलब क्या आ गया कि जो भी इसका रियल पार्ट है, जो भी इस फंक्शन का, वो कितना आना चाहिए, 0। तो आप सिर्फ रियल पार्ट ही उठाओ जेड प्लस, तो आपको पता है रियल पार्ट क्या आएगा, रियल की रियल से मल्टीप्लाई, x + α (x - α) और इमेजिनरी की इमेजिनरी से मल्टीप्लाई, तो प्लस
वाई स्क्वेयर डिवाइड बाय एक्स प्लस अल्फा का स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, किसके इक्वल कंपेयर करेंगे? जीरो के, जीरो के अगर करते हैं तो ये सारा तो जीरो में चला जाएगा, अल्फा यहाँ से एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस अल्फा स्क्वेयर जीरो, पर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर किसके इक्वल है? 16 के इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल गया? 16 माइनस जीरो, तो अल्फा स्क्वेयर इज इक्वल टू 16, देन अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस 4, तो यहाँ पे हमारे पास अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी, ठीक है यहाँ पे। तो ये चीज आपको लर्न होनी चाहिए अच्छे से, आपको कॉम्प्लेक्स के में बहुत अच्छे से समझा रखा है कि जब आपको, हमें पता ही है कि दो की अगर मल्टीप्लाई करते हैं और रियल पार्ट चाहिए तो हमें रियल की रियल से और इमेजिनरी की इमेजिनरी से, और जब हमें इमेजिनरी पार्ट चाहिए तो रियल इमेजिनरी के पास जाएगा और उसका इमेजिनरी रियल के पास जाएगा। तो यहाँ उसने इमेजिनरी बोला था मतलब कि हमें रियल पार्ट चाहिए था, तो रियल के लिए रियल की मल्टीप्लाई रियल से की और इमेजिनरी की इमेजिनरी से, रियल पार्ट को जीरो से कंपेयर किया, सिंपल सोल्व हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं थी इसमें, ठीक है। पर आंसर के अंदर देखते हैं भाई क्या चीज वो करता है, तो इसके लिए ये दोनों ही हमारे पास है, ठीक है। हमारा जो आंसर आया है वो 4 है, सभी इसका 4 ही आ रहा है सभी जगह पे, पर जो आंसर किया उसने क्या बताया है? 2 बताया, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम 7th क्वेश्चन पे, ठीक है। ये थोड़ा सा एपी जीपी का यूज करके हम कर सकते थे यहाँ पे ये चीज, ठीक है। क्या कहता है, ध्यान दो, ए बी सी डी पॉजिटिव रियल नंबर है और यहाँ पे हमारे पास इनका जो सम है वो 2 है और मल्टीप्लाई जो ये है, तो सम ऑफ रूट और यहाँ से हम किसका यूज कर सकते हैं? एपी जीपी का। क्या कर लेते हैं, यही कर दे कि ए प्लस बी और सी प्लस डी को पॉजिटिव नंबर मान लेते हैं, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव नंबर है तो हमें पता है कि किसी भी नंबर का अर्थमेटिक बड़ा होता है हमेशा उसके ज्योमेट्रिक से, तो अर्थमेटिक कैसे निकालोगे? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाय 2, और ये ग्रेटर होगा रूट ऑफ a प्लस बी इंटू में c प्लस डी से। तो ये सम इसने 2 दे रखा है, तो 2 बाय 2 ग्रेटर, और इसकी वैल्यू इसने m दे रखी है, तो कट गया, तो आपके पास आ गया कि m लेस देन है किससे? 1 से। तो ऑप्शन में आप देख लो भाई, m जो है वो 1 से छोटा, ऐसे तो यहीं से पता चल रहा है आपको कि यही आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि m लेस देन है किससे? 1 से। जीरो की बात करें तो क्योंकि ये दोनों ही नंबर हमने पॉजिटिव लिए हैं तो उनकी जो प्रोडक्ट है वो भी क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी, और पॉजिटिव आएगी तो वो किससे ग्रेटर हो जाएगी? 0 से, देन, ठीक है। फिर से ये हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया बाइनोमियल का, ठीक है। तो यहाँ से 8th के अंदर, तो बाइनोमियल के लिए क्या दिया है, ध्यान से देखें कंडीशन उसको, देखो आप क्वेश्चन को क्या कहता है। क्वेश्चन के लिए कहता है बाइनोमियल के अंदर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, मतलब कि 1 प्लस एक्स की पावर एन, तो इसकी 3 टर्म्स लेनी है वो भी लगातार, ठीक है। तो लगातार अगर टर्म लेनी है तो हम ले लेते हैं आर, आर प्लस 1 और R प्लस 2, जी जो कि HP के अंदर है, HP तो आपको पता होगा A B C अगर HP में है तो हम उसे क्या लिख सकते हैं? 1 by A 1 by C is equal to 2 by B लिखा जा सकता है, ठीक है। यहाँ से तो ये हमने HP की लेते हैं भाई, ये हमने HP की प्रॉपर्टी ले ली कि A B C अगर हमारा HP के अंदर है तो 1 by A और 1 by C is equal to होता है 2 by B के, ये चीज, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टी यूज करें कि जो हमारी ये टर्म है वो किसके अंदर है? HP, और जिनके कोफिशियंट लेने हैं तो कोफिशियंट, अगर हम इसका कोफिशियंट लें तो क्या आ जाएगा भाई? आपको पता ही है, तो एन सी आर माइनस 1, एन सी आर और एन सी आर प्लस 1 आ जाएगा। अगर ये HP के अंदर है तो 1 by NCR minus 1, 1 by NCR plus 1 equal हो जाएगा 2 by NCR, तो easily solve हो जाएगा, कोई ज्यादा वो नहीं था, property learn होनी चाहिए। NCR by NCR minus 1 यहाँ से आ जाएगा NCR, NCR plus 1 by
इक्वल टू टू। और ये बहुत अच्छे से मैंने फॉर्मूले आपको करवा रखे हैं कि ये डिवाइड आएगा तो इन दोनों का डिफरेंस ऊपर आ जाता है, आर नीचे आ जाता है, इन दोनों का डिफरेंस नीचे आ जाएगा, आर ऊपर जो वैल्यू है, ठीक है। तो ये आप कैलकुलेट कर लेना, तो यहाँ से रिजल्ट आएगा एन इज इक्वल टू टू आर के इक्वल यहाँ पे, ठीक है। बट इसके अंदर अब क्या करें, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कहता है कि यहाँ पे वैल्यू एच पी है, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन, एन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो रिजल्ट ही हमारे पास क्या आ रहा है भाई, एन जो है इससे डबल आ रहा है। तो यहाँ पे ये कोई भी ऑप्शन रख के देखें, कोई भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसके लिए ऑप्शन क्या रह जाएगा हमारा, डी। इसने वैल्यू दे रखी है 10 दी हुई है, 20 दी हुई है और 30 और यहाँ नन, तो ये तीनों ही वैल्यू हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, ठीक है। ये तो इसके अंदर हमारे ऑप्शन क्या आ गया, इसका आंसर हमारे पास नन ऑफ दिस नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट में क्या कहता है, हार्मोनिक मीन, वही हार्मोनिक के ऊपर घूम रहा है ये, तो हार्मोनिक मीन ऑफ द टू नंबर, दो नंबर का हार्मोनिक मीन दिया हुआ है, अर्थमेटिक मीन को ए से डिनोट किया गया है, ज्योमेट्रिकल मीन को जी से, जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। तो इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन की तरफ से करना ज्यादा इजी रहेगा हमारे पास, ठीक है। कैसे ऑप्शन से करेंगे ये इजी हो जाएगा, मान लेते हैं कि दो नंबर ए और बी है हमारे पास, ठीक है, वहां पे तो ए और बी अगर वो क्या है अर्थमेटिक मीन, सॉरी हार्मोनिक, हार्मोनिक मीन क्या होता है, टू टाइम ऑफ ए बी ए प्लस बी, तो वो तो फोर होना चाहिए, मतलब कि जो भी हमारे पास ऑप्शन है वो इस कंडीशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई। दूसरी उसने क्या कहा, अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन मतलब कि ए किसके इक्वल है, ए प्लस बी बाय टू, या यूं कह सकती हूँ कि ए प्लस बी किसके इक्वल है, टू ए के। ज्योमेट्रिकल मीन मतलब कि रूट ऑफ ए बी वो किसके है, जी के, या फिर ए बी को क्या बोल सकती हूँ, जी का स्क्वेयर। इसने क्या कंडीशन दी है, टू टाइम ऑफ ए प्लस जी स्क्वेयर आपका 27 आना चाहिए, तो टू ए को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी, जी स्क्वेयर को क्या लिख सकते हो, ए बी किसके इक्वल आ गया, 27। तो ये अच्छा रहेगा कि ऐसे तो आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो, ए प्लस बी की वैल्यू रख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वहां से इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। बट इतना करो ही मत, ऑप्शन पे ही चले जाओ यहाँ से, जैसे ए ऑप्शन इसने दिया हुआ है 4 4, तो यहाँ अगर रखें 2 × 4 × 4/8, तो यहाँ से 4, ये तो ये क्या आ रहा है, 4, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे। अब यहाँ रख के देख लो, 4 + 4 + 4 = 16, 4 और 4 8 + 16, तो 16 कितना हो जाएगा भाई, 6 6 12 13 14, तो ये 24 आएगा, पर अपने को कितना चाहिए, 27, इसका मतलब ये क्या हो गया, गलत, ठीक है। तो ऑप्शन से चले जाना, जैसे 3 और 6 दिया हुआ है, ठीक है, सी ऑप्शन जो है वो 3 और 6 दिया है, तो यहाँ रखेंगे अगर, ठीक है, तो 3 और 6 अगर रखते हैं, 2 × 3 × 6 बाय ऐड करेंगे 9, 3 यहाँ से कर लेंगे 3 और 3 से करेंगे 2, तो ये 4, पहला सेटिस्फाई। इसके अंदर अगर रख के देखते हैं तो 6 + 3 + 18 यहाँ से, तो 18 अगर करते हैं, 18 में 9 अगर ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 27, तो ये इसे क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो ऐसी जब हमारे पास इक्वेशन आ जाए तो उन्हें ऑप्शन से सोल्व करना, ये चीज, ठीक है। तो आपका जो इसमें आंसर है वो कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से 3 और 6 आ जाएगा, देन, ठीक है, ये चीज, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, 10th पे, ठीक है भाई। 10th क्वेश्चन के अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास, इस क्वेश्चन के ऊपर भी ऑब्जेक्शन कर रहे हैं क्योंकि इसकी प्रिंटिंग में थोड़ी सी गलती है, पर अगर उसको हम निग्लेक्ट कर दें तो हम इसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से तो यहाँ पे इसका ऑब्जेक्शन है कि एक्स डैश आ गया ये, ठीक है, ये बाय चांस यहाँ होगा और प्रिंटिंग के अंदर गलत आया हुआ है, क्योंकि हमारे मैथ के अंदर एक्स का मतलब तो एक्स होगा, पर एक्स डैश का मतलब डी एक्स बाय डी वाई, वो डेरिवेटिव को शो करेगा, ठीक है, और डेरिवेटिव को अगर शो कर रहा है तो ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हो सकता। तो हम इस चीज को निग्लेक्ट करके इसको जरा सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोस थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस पी बाय एक्स, एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा एक्स थीटा एक्स स्क्वेयर प्लस पी, तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई,
प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका रूट निकाल, हमें पता है किसने कहा है कि इसकी रियल वैल्यूज है, तो रियल रूट है अगर, तो रियल के लिए आपको कंडीशन करवाई है डी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा किससे, जीरो से। और जीरो से अगर है तो बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी ग्रेटर रहेगा जीरो से, तो बी स्क्वेयर का मतलब आ जाएगा कोस स्क्वेयर थीटा माइनस के फोर पी ग्रेटर जीरो। तो यहाँ से अगर हम चेंज कर लें तो फोर पी ग्रेटर हो जाएगा माइनस कोस स्क्वेयर थीटा से, तो माइनस अगर हम हटा दें तो 4p लेस हो जाएगा cos square, और cos square किससे लेस होता है 1 से, तो इसका मतलब p लेस देन इक्वल टू हो गया 1/4। तो ऑप्शन जो है वो आंसर क्या आ जाएगा, सी। आंसर की में भी आंसर तो यही दिया हुआ है, बस प्रिंटिंग के अंदर ही इसकी गलती आ रही है हमारे पास, ठीक है। तो अगर हम उसको निग्लेक्ट करें, जो सही आंसर हो, जो सही स्टेटमेंट होनी भी चाहिए, तो ये पर आप इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट के अंदर, नेक्स्ट तो बिल्कुल ईजी था हमारे पास, ठीक है, सिंपल ही दिया हुआ था। यहाँ पे क्या कहता है, एक ये लाइन है और ये दो पॉइंट दिए हुए हैं और ये परपेंडिकुलर है हमारे पास, ठीक है। तो हमें पता ही है कि परपेंडिकुलर के लिए सिंपल एम वन एम टू की प्रोडक्ट कितनी होनी चाहिए, माइनस वन। तो पहले यहाँ से इसका स्लोप निकाल लोगे भाई, एम वन नाम दे दूं, यहाँ पे स्लोप अगर फॉर्मूला याद हो तो फॉर्मूला यूज कर लेना, माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशियंट ऑफ वाई, या डेरिवेटिव से निकाल लो अगर ना याद होगा तो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा इसका, अगर हम कर लेते हैं तो माइनस टू बाय माइनस थ्री कैंसिल, तो ये आ गया टू बाय थ्री, तो स्लोप हो गया टू बाय थ्री। दो पॉइंट दे दिए, दो पॉइंट से अगर हम निकालें तो स्लोप जो है वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वाई टू माइनस वाई वन और एक्स टू माइनस एक्स वन आ जाएगा। तो y2 हमारे पास a है और ये 17 है, यहाँ पे ये 15 है और ये हमारा 7 है, तो इसका जो स्लोप है वो आ गया हमारे पास a माइनस 17, और इसको अगर माइनस कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस 1, तो ये सोल्व कर लें 4 आ जाएगा। तो a माइनस 17 इज इक्वल टू माइनस के 12, तो a इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 17, देन a की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, डी ऑप्शन, ठीक है। सिंपल स्ट्रेट लाइन के अंदर से क्वेश्चन था हमारे पास, तो एक लाइन पूरी दे दी और दो पॉइंट बता दिए, और वो आपस में क्या है हमारे परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है कि स्लोप की जो प्रोडक्ट है वो क्या रहेगी, माइनस वन। तो लाइन में से स्लोप निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज कर लोगे, माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशियंट ऑफ वाई, तो स्लोप निकल जाएगा। दो पॉइंट अगर हमें दिए हुए हैं तो कैसे कर सकते हैं, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, देन वो सोल्व हो जाएगा, ठीक है भाई, ये चीज। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, d आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास, ठीक है, ये आ गया हमारे पास सर्कल, ठीक है, कॉनिक पोर्शन में से चल रहे हैं हम। क्या आ रहा है, टू सर्कल, दो सर्कल आपको दे दिए गए हैं और यहाँ पे पूछा है कि वो टच करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। कंडीशन आपने कौन सी लेनी है, टच करने की, ठीक है। तो कॉनिक सेक्शन में ये बहुत अच्छे से करवा दिया कि जो दो सर्कल है वो इंटरसेक्ट करेंगे तब क्या कंडीशन रहेगी, इंटरनली टच करेंगे, एक्सटर्नली टच करेंगे या फिर टच नहीं करेंगे, ठीक है। पर इसने वर्ड यूज किया टच का, तो अपने को इंटरनली भी लेके चलना पड़ेगा और एक्सटर्नली भी लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या दिया इसने, सर्कल की इक्वेशन है आपकी फर्स्ट की, एक्स स्क्वेयर या एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इक्वल टू ए एक्स, तो ये बन गई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ए एक्स इक्वल टू जीरो। तो पहले आप इसमें सेंटर निकाल लेंगे भाई, सेंटर सी वन नाम दे दे, तो सेंटर का क्या फॉर्मूला होता है, कोफिशेंट क्या चीज होती है, माइनस कोफिशेंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय टू माइनस कोफिशियंट ऑफ वाई बाय टू, तो यहाँ से सी वन हो गया एक्स का कोफिशियंट ए बाय टू, वाई नहीं है तो जीरो, ठीक है। यहाँ से तो जो सी वन है वो हमारा आ गया ए बाय टू एंड जीरो, तो रेडियस आर वन कह दें
तो फार्मूला क्या होता है, जी का स्क्वेयर यहाँ से प्लस एफ का स्क्वेयर ले लें, जीरो, और जो कांस्टेंट होता है वो भी जीरो ही है। तो ये हमारे पास आ गया ए बाई टू का स्क्वेयर यहाँ से, सही है। फिर अगर हम लेते हैं दूसरा सर्कल, तो दूसरा सर्कल इसने दिया है एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर, तो इसके सेंटर जो लेंगे वो कितना आ जाएगा, सी टू, वो रहेगा जीरो जीरो, और जो रेडियस है वो कितनी होगी, सी। अब क्योंकि उसने वर्ड यूज किया है कि टच करते हैं, तो सी वन और सी टू का जो डिस्टेंस है वो इज इक्वल टू आना चाहिए आर वन प्लस माइनस आर टू के, और ये मोड ले लेंगे, नेगेटिव ना ले यहाँ से, ठीक है। क्योंकि दो सर्कल जो है, एक सर्कल ये हो गया हमारे पास, ठीक है, अगर दूसरा सर्कल ये हो तो ये इसको एक तो यहाँ से इंटरनली टच कर सकता है, ठीक है, या फिर ये किसी भी दो सर्कल जो है वो आपस में कैसे कर सकते हैं, एक्सटर्नली टच कर सकते हैं। अगर वो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो इनकी रेडियस का जो डिस्टेंस है सी वन सी टू, तो आर वन प्लस आर टू आ जाएगा। अगर वो इंटरनली कर रहे हैं यहाँ से, तो इसकी रेडियस और इसकी रेडियस का डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो बस आप वैल्यू पुट कर दो भाई, हो जाएगा क्वेश्चन आपका आराम से। तो डिस्टेंस अगर हम निकालें तो सी वन और इसका क्या डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ, अच्छा ये कट कर देते, तो ए बाई टू, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बाई टू माइनस जीरो का स्क्वेयर जीरो माइनस जीरो का, और यहाँ कितना आ जाएगा, ए बाई टू प्लस माइनस सी। रूट हटाएं तो ये ए स्क्वेयर बाय फोर, स्क्वेयरिंग कर लो, ए का स्क्वेयर प्लस फोर प्लस सी स्क्वेयर प्लस माइनस टू ए बाय टू सी, तो ये तो कैंसिल ही हो गया, तो यहाँ से आ गया सी स्क्वेयर प्लस ए सी इज इक्वल टू जीरो, तो सी कॉमन, तो सी प्लस माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, तो सी जीरो तो हो नहीं सकता भाई, जीरो हो गया तो दे ही रखा है, ग्रेटर देन जीरो है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया सी इज इक्वल टू प्लस माइनस, और प्लस माइनस है तो किसका यूज किया जाता है, मोड का यूज किया जाता है, तो सी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, मोड ऑफ ए के, या मोड ऑफ ए इक्वल टू सी के। पहले एक सर्कल से सेंटर और रेडियस निकाल लेंगे, फिर दूसरे से सेंटर और रेडियस निकाल लेंगे। अब कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इसने वर्ड जो है वो कौन सा यूज किया है, टच का, टच जो है वो इंटरनली भी हो सकता है और एक्सटर्नली भी, तो एक्सटर्नली होगा तो दोनों का प्लस आएगा, इंटरनली होगा तो माइनस, इसीलिए आप दोनों सम दोनों वैल्यू लेंगे, और इसी वजह से यहाँ पे आंसर में क्या आएगा, मोड आ जाएगा, ये चीज, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपके पास कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं यहाँ से 13 पे, ठीक है, ये चीज। तो अब इसके अंदर इसने क्या कहा हमारे पास, टेंजेंट इन ड्रो टू बी द पैराबोला, पैराबोला के अंदर यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, यहाँ तक y square is equal to 6x which is the perpendicular to this, इस लाइन के ऊपर वो हमारी क्या है, परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से आपने क्या निकालनी है, सिर्फ टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, y square is equal to 6x, तो जो टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और ये बताना था कि कौन सा पॉइंट उस पे लाई नहीं करता, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम टेंजेंट की इक्वेशन निकालें तो वो हो जाती है वाई एम एक्स इज प्लस ए बाय एम, यहाँ पे तो आपको क्या क्या चाहिए, एक तो एम चाहिए और एक आपको क्या चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए, तो ए की वैल्यू तो आपको पता ही है, यहाँ पे ए की वैल्यू अगर हम ले तो इक्वेशन को सेट कर लेते हैं, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू फोर ए एक्स, तो फोर ए जो है वो सिक्स आ रहा है, तो ए की वैल्यू क्या होगी, सिक्स बाय फोर, मतलब कि थ्री बाय टू आ जाएगी आपकी, सही है। यहाँ पे हमारे पास ये एम की वैल्यू के लिए क्या कहता है कि इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर में अभी भी बताया आपको कि m1 into m2 की प्रोडक्ट माइनस वन रहती है हमारे पास, तो यहाँ से अगर इसकी वैल्यू पता चल जाए तो उसका रेसिप्रोकल करके हमें m मिल जाएगा, तो आपको पता है इसका स्लोप क्या रहेगा, यहाँ से माइनस कोफिशियंट ऑफ x बाय y, तो 2, तो इसलिए हमारा जो स्लोप है पैरा टेंजेंट का उसको m नाम दे,
तो वो हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल और नेगेटिव, तो 1/2। तो आपको m की वैल्यू मिल गई, आपको यहां से a की वैल्यू मिल गई, तो आप बस इक्वेशन बना दो टेंजेंट की। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी हमारी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाय, यहां से एक सेकंड रुक जाओ भाई, कितनी होगी हमारे पास इक्वेशन, स्लोप पता चल गया हमको, पॉइंट यहाँ से फोकस पता चल जाएगा, तो ये आ जाए, एक सेकंड रुकना भाई, एम ये, तो वाई प्लस इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, 1/2 x प्लस ए की वैल्यू 3/2 × 1/2। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन थोड़ा कर लेना अपना, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, तो ये 2y इज इक्वल टू x प्लस c। ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन तैयार हो गई है x-2y+6 इज इक्वल टू c। ठीक है, तो ये इक्वेशन किसकी होगी, पैराबोला की इक्वेशन होगी। ठीक है, तो ये आपको याद होनी चाहिए कि टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, यहाँ पे पैराबोला के टेंजेंट की इक्वेशन क्या रहती है, y इज इक्वल टू mx प्लस a बाय m। तो m वो स्लोप या तो आपको बताएगा या फिर आप फाइंड करेंगे। तो फाइंड करने के लिए उसने हमें एक लाइन दे दी कि उस लाइन के ऊपर हमारा जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर है। अगर वो परपेंडिकुलर है तो लाइन के स्लोप से रेसिप्रोकल और नेगेटिव हो जाएगा। तो स्लोप मिल गया, ए को आपने कंपेयर करके निकाल लिया, जस्ट वैल्यू पुट करके एलसीएम वगैरह लेके टेंजेंट बन गया। अब आपके पास टेंजेंट आ चुका है, यहां से टेंजेंट अगर आ चुका है तो अब ये पॉइंट इसके ऊपर पुट करके देख लो। तो उसने पूछा था कौन से पॉइंट जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है भी, सेटिस्फाई देख लो, 3 रख लो यहाँ पे, तो 3 आ गया, माइनस के 2 आ गया, +6 इज नॉट इक्वल टू 0, पहले में आंसर मिल जाएगा आपको। अब मान लो 4 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा, प्लस माइनस 5 × 2 = 10, +6 आ गया 0 के इक्वल। अगर 0 रखते हैं तो x को 0, -6 + 6 आ गया 0 के इक्वल। 2 रखते हैं तो 2 − 4 × 8 + 6 = 2। तो ये तीनों ही पॉइंट लाइन के ऊपर क्या कर रहे हैं, टेंजेंट के ऊपर लाई कर रहे हैं, पर हमें कौन सा ढूंढना है जो लाई नहीं कर रहा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो हम कर रहे हैं जो अभी हमारा इसका एचपीएससी ने पीजीटी का स्क्रीनिंग जो लिया है पेपर, उसका सॉल्यूशन कर रहे थे। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में हम 13 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं, उसके बाद के क्वेश्चंस अब सोल्व करेंगे, कोशिश करेंगे कि आज हम 20-25 क्वेश्चन आज सोल्व कर ले। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लगातार इस पूरे पेपर को मैं आपको पूरा डिटेल से सोल्व करवा रही हूँ। ठीक है, मेरे ख्याल में 3 या 4 वीडियोस में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा हमारे पास। तो स्टार्ट करते हैं, कल हमने कहा था कर लिया था भाई 13 क्वेश्चन तक कंप्लीट किया था, आज हम इसके आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। देखें जो 13 क्वेश्चन था वो भी और ये 14 दोनों ही सेम आए हुए हैं, देखेंगे यहाँ से। तो इसके अंदर भी इसने यही पूछा था टेंजेंट ऑफ द पैराबोला। ठीक है, पैराबोला की टेंजेंट के बारे में ही बात की थी, ध्यान से देखो भाई, दो क्वेश्चन एक जैसे दे दिए हैं, टेंजेंट थी पैराबोला की और इसके अंदर भी उसने टेंजेंट ही बोला था। ठीक है, तो कल हम वो सोल्व कर चुके हैं, आज इसको करते हैं। क्या दिया है इसमें देखो भाई, करें यहां से, तो क्या कहता है, इक्वेशन ऑफ द कॉमन टेंजेंट। ठीक है, दो पैराबोला है जिनकी कॉमन टेंजेंट है, इसके भी और इसके भी। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको टेंजेंट की इक्वेशन आनी चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचेगा। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, वाई यहाँ से m² x - ma, तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए, m की और a की वैल्यू अगर मिल जाए तो हम इजिली क्या बना सकते हैं, इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ से इसके लिए हम क्या करें, ये चीज देखते हैं। तो कंडीशन ध्यान से देखें, करते हैं इस क्वेश्चन को, क्या दिया इसने हमें, एक इक्वेशन दी है y = x² और सेकंड इसने दी है y = -x - 2y। तो हमें पता है y² = हम कंपेयर करेंगे यहां से, y² y वाली इक्वेशन है, तो यहां पे x² = 4ay से अगर कंपेयर करें तो 4a = 1 आ रहा है, देन a की वैल्यू होगी हमारे पास 1/4।
तो यहाँ से अगर कंपेयर करते हैं तो इसमें भी हमारे पास यही चीज हो जाएगी, और कंपेयर करते हैं तो ए की वैल्यू 1/4 ही आती है। अब आ जाते हैं हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करें, पैराबोला के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करें तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी वाई इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एम स्क्वेयर बाई 4, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन क्या थी हमारी, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एम स्क्वेयर ए होती है, ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एम स्क्वेयर ए। तो a की वैल्यू हमारे पास 1/4 है, तो इक्वेशन बन गई। यहाँ पे अगर करें क्योंकि x में माइनस 2 है, तो इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2 माइनस एम स्क्वेयर, a की वैल्यू वही है तो सेम। अब इसने क्या कंडीशन दी है कि जो टेंजेंट हमने ली है वो कॉमन है, अगर ये टेंजेंट कॉमन है तो दोनों को इक्वेट किया जा सकता है, तो दोनों को कंपेयर कर लो भाई। तो एम एक्स माइनस एम स्क्वेयर बाय 4 इक्वल आ गया एम एक्स माइनस 2 एम माइनस एम 4 बाय 4 यहां से, ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, माइनस हो गया यहाँ पे, तो कट करें इसमें, ये चीज हमारी कैंसिल हो जाएगी। अच्छा ये माइनस था यहाँ पे, ये तो ये माइनस आएगा, इसलिए ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो इक्वेशन क्या बन गई भाई हमारे पास, नेक्स्ट ले लें या यहीं पे कर लेते हैं, माइनस एम स्क्वेयर, ये एम स्क्वेयर बाय 4 इक्वल टू माइनस 2 एम प्लस एम 4 बाय 4, एक 4 को एलसीएम ले लेते हैं, तो माइनस एम स्क्वेयर इक्वल टू माइनस 8 एम प्लस एम स्क्वेयर, एक तरफ ले जाओ तो एम 2 एम स्क्वेयर माइनस 8 एम इक्वल टू 0, तो 2 एम अगर कॉमन ले लेंगे तो एम माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो एम इज इक्वल टू 0 एंड 4 आपको मिल गई एम की वैल्यू। देन एम की वैल्यू अपनी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, अगर 0 रखें तो वाई इज इक्वल टू 0 ही आ रहा है, तो ये तो ऑप्शन नहीं है, वाई इज इक्वल टू एम की वैल्यू 4 एक्स माइनस 16 बाय 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास y, 4 कॉमन ले ले x माइनस 4। तो ऑप्शन में चेक कर लेते हैं ये कहाँ पे है हमारे पास, ये वैल्यू 1 कॉमन होगी, तो ये हमारे पास किस ऑप्शन के अंदर है, बी के अंदर। तो सिंपल हमारे पास इक्वेशन, दोनों ही क्वेश्चन किसके थे, पैराबोला के थे, 13 एंड 14। तो इक्वेशन दे दी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, कंपेयर करके हमने a की वैल्यू फाइंड कर ली, इसमें भी बाहर माइनस था तो ये माइनस आ जाएगा। टेंजेंट की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एम स्क्वेयर ए, यहाँ पे m और m की वैल्यू अब पता नहीं है, तो a की वैल्यू पता है वो पुट कर दिया, क्योंकि दोनों हमारे पास कॉमन है, कॉमन है तो दोनों को इक्वेट कर लिया, देन इक्वेट करके हमारे पास m की वैल्यू आ गई, देन इक्वेशन सोल्व कर लेंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ से हमारे पास इसका आंसर जो है वो क्या आ गया, यहाँ पे b इसका आंसर आ जाएगा। 15वें में क्या कहता है, कहता है जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया हमारे पास। क्या कहा ट्रिग्नोमेट्री में, क्या कंडीशन दी है उसने, कंडीशन दी है इसने कि साइन स्क्वेयर थीटा सीकेंट थीटा प्लस रूट 3 टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 0। तो थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेते हैं पहले, तो साइन स्क्वेयर थीटा सीकेंट को क्या लिख सकते थे, कोस थीटा प्लस रूट 3 टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 0। साइन बाय कोस एक टेंजेंट आ जाएगा, कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बच गया हमारे पास साइन थीटा प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0। दो वैल्यू की प्रोडक्ट अगर 0 है तो दोनों को अलग अलग कर लो, टेंजेंट थीटा 0 हो जाएगा प्लस है, तो यहां से साइन थीटा प्लस रूट 3 इक्वल टू 0 कोई भी एक बात। अगर पहले इसको सोल्व करें तो साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस रूट 3, बट हमें पता है साइन जो होता है वो तो हमारे पास माइनस और है भाई प्लस रूट 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमारे पास साइन थीटा किसके इक्वल आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू। तो यहाँ से अगर हमें ये चीज पता है कि माइनस 1 से ग्रेटर होता है साइन और 1 से लेस, पर इसकी वैल्यू तो 1.7 समथिंग आएगी हमारे पास, तो इसका मतलब दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है तो इसको हटा देते हैं, ये आ जाएगा टेंजेंट कितना आ जाएगा हमारे पास, सॉरी टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 0,
और जीरो किसके ऊपर होता है हमारा, एन पाई के ऊपर। तो इसका जो रिजल्ट है वो कौन सा आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा हमारे पास। ठीक है भाई, ये चीज। हाँ तो इसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड इसका ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन पूछा था सिंपल, पहले ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा सोल्व कर लिया आपने, फिर वहां से दो वैल्यूज मिल गई जिसमें से एक पॉसिबल नहीं थी, एक पॉसिबल थी, और वहां से कंडीशन आ गई। नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, प्लस टू की बुक का क्वेश्चन, ऐसी एज इट इज उठा लिया, सिर्फ फॉर्म चेंज कर दी। अगर आप प्लस टू के एलिमेंट की बुक देखेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, बट क्या होगा, कैसी फॉर्म में होगा, खोल रखा है इसको, क्या कहता है, ये नई चीज लगा दी यहाँ पे। ठीक है, तो इससे पजल नहीं होना, किसका सेम है, समेशन साइक्लिक का साइन है ये, बल्कि एन जो है वो वन से लेके कहाँ तक रन कर रहा है, थ्री तक। तो एन की वैल्यू अगर वन करें तो टेंजेंट इनवर्स वन बाय वन, टेंजेंट इनवर्स वन बाय टू, और ये हो गया हमारे पास टेंजेंट इनवर्स वन बाय थ्री। तो ये वैल्यू तो आपको पता ही है, हमेशा होती पाई बाय फोर पे है। यहाँ पे हम इसका फार्मूला लगा देते हैं, वन बाय टू प्लस वन बाय थ्री, वन बाय टू इंटू वन बाय थ्री। तो पाई बाय फोर तो है ही हमारे पास, ये सोल होके कितना आ जाएगा भाई, नीचे एलसीएम ले लोगे सिक्स आ जाएगा, सिक्स फाइव, और ये माइनस करोगे तो अब भी फाइव, देन कैंसिल, तो ये आ गया हमारे पास पाई बाय फोर प्लस टेंजेंट इनवर्स वन। तो पाई बाय फोर और वन कितने पे होता है, पाई बाय फोर, तो ऐड करके कितना आ गया हमारे पास, पाई बाय टू, सी ऑप्शन। ठीक है भाई, ये चीज। इसके बाद आता है हम 17 क्वेश्चन पे जाएं, किसका क्वेश्चन हो गया हमारे पास, लिमिट का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो लिमिट के क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, लिमिट में हमारे पास क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखें, लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो, थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस टू, सेवन एक्स स्क्वेयर प्लस टू, पावर दी हुई है वन बाय एक्स स्क्वेयर। ऐसे तो हम इसको जो है वो फार्मूले से भी कर सकते हैं, थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा वगैरह, पर सबसे आसान होता है लिमिट के क्वेश्चन में, आप कौन सा रूल लगा लो, एल हॉस्पिटल, सबसे इजी क्वेश्चन उसी से सोल्व हो सकेगा। क्या कर लेते हैं, इसको वाई के इक्वल रख लेते हैं, तो वाई के इक्वल रख के लॉग अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, तो लॉग अप्लाई करने से लिमिट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता एज इट इज, पावर जो है वो आगे आ जाएगी और ये हो जाएगा हमारा लॉग में सारा। अब लॉग में आपको पता है कि अगर डिवाइड में है तो उसे किस में लिखा जा सकता है, माइनस में, थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस टू माइनस लॉग सेवन एक्स स्क्वेयर प्लस टू डिवाइडेड बाई कितना आ गया, एक्स स्क्वेयर। तो लिमिट एक्स अप्रोचेज जीरो। अब सिंपल एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, न्यूमेरेटर का अलग से डेरिवेटिव कर दे और डिनोमेटर का अलग से। तो इसका डेरिवेटिव अगर करें तो थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस टू सिक्स आ जाएगा, सेवन एक्स स्क्वेयर प्लस टू तो ये 14x आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2x। तो यहां से ऊपर से हम 2x कॉमन ले सकते हैं इजिली, तो 3 अपॉन में 3x स्क्वेयर प्लस 2 माइनस 7 बाय 7x स्क्वेयर प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2x, 2x से 2x कैंसिल, और लिमिट अप्रोच करवा दी जाए, लिमिट क्या है, x अप्रोचेस 0, तो हमारे पास log y इक्वल टू आ गया, इसको जीरो रख लेंगे तो ये बन गया हमारे पास 3 बाय 2, यहाँ इसको जीरो रखेंगे तो बन गया हमारा 7 बाय 2, 2 एलसीएम ले लें माइनस 4, तो आपका log y की वैल्यू आ गई माइनस 2, e अप्रोच करवा दे कैंसिल, तो y इज इक्वल टू e की पावर माइनस 2, तो e की पावर माइनस 2 रखें या 1 अपॉन e स्क्वेयर, एक ही बात है। ठीक है, तो लिमिट के जो क्वेश्चन है वो एल हॉस्पिटल रूल से बहुत इजीली सोल्व हो जाते हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं आती। इसके कंपैरिजन की आप सभी फॉर्मूले करें फिर उसको अरेंज करें। ठीक है, यहाँ से तो ये चीज हमारे पास आ गई, सिंपल वैल्यू होगी हमारे पास, सीधी जो पावर है वो आगे आ जाएगी, डिवाइड में है इसलिए बीच में माइनस का साइन आ गया, इसका अलग डेरिवेटिव कॉमन, देन सो क्लियर। तो इसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन आ रहा है, इसके अंदर डी ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास डी ऑप्शन यहाँ पे। इसके बाद आगे चलते हैं हम यहाँ पे,
कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको जल्दी से जल्दी इस पेपर को सोल्व करवा दिया जाए। तो आते हैं 18th क्वेश्चन के अंदर। 18th क्वेश्चन में क्या किया गया है, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के बारे में ही पूछा हुआ था। सिंपल, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, एज इट इज बुक के अंदर है ये हमारे पास। डेरिवेटिव कर लो, 1/NCERT का ही क्वेश्चन है, 2/x². तो यहाँ से पॉइंट निकालने के लिए जीरो से कंपेयर किया जाता है। तो यहाँ जीरो से करें तो एक्स एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2x², x² - 4, 0। तो x² - 4, 0, तो x की वैल्यू 2 आ गई आपके पास, प्लस माइनस। अब ये चेक करना है कि मिनिमम कौन सी वैल्यू और मैक्सिमम कौन सी, तो इसका डबल डेरिवेटिव आप कर लीजिए। तो कांस्टेंट का 0 आ जाएगा, माइनस ऊपर जाएगा, तो 4/x³ आ जाएगा। तो अगर हम इसके अंदर 2 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 4/8, 1/2, और जो कि पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव के ऊपर क्या होता है, मिनिमम। और अगर हम इसके अंदर -2 पुट करते हैं तो 4/-8, तो -1/2, जो कि नेगेटिव वैल्यू है तो नेगेटिव है, तो वो क्या होगा, मैक्सिमम। पर आपके क्वेश्चन में मिनिमम पूछा गया है, तो मिनिमम कौन सी कंडीशन के ऊपर आई है, 2 के ऊपर। तो ऑप्शन जो है वो कौन सा हो जाएगा हमारे पास, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, लोकल मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या रूल लगाते हैं, हम फर्स्ट डेरिवेटिव से पॉइंट निकाल लेते हैं और सेकंड डेरिवेटिव से हम टेस्ट कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो गलत है भाई आपका, यहाँ से इससे जो है k की वैल्यू पॉसिबल नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो ये नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास किसका दे दिया, डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है ये अब हमारे पास, तो सोल्व करें। क्या कहता है डिफरेंशियल इक्वेशन की, क्या दी है इसने वैल्यू, इक्वेशन dy/dx = y log of y माइनस log x प्लस 1। तो ध्यान से देखें, dy/dx y by x आ जाएगा, log में अगर माइनस है तो ये डिवाइड में प्लस 1। तो आपको देख के ही पता चल रहा है कौन सी फॉर्म है, होमोजीनियस फॉर्म है। तो होमोजीनियस में हम क्या करते हैं, y को क्या रख सकते हैं, vx। तो dy/dx = vx1 होगा, x dv/dx, तो वैल्यू पुट कर दो सिंपल। तो यहां से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, v+x dv/dx = v बाहर, यहाँ पे इसमें सॉरी, हाँ v बाहर, ये हो जाएगा log v+1। तो x वाली सारी टर्म एक तरफ कर लेते हैं, v की एक तरफ, तो ये हो जाएगा v log v + v - v, कैंसिल हो गया। तो dv/v log v और = 1/x dx, इंटीग्रेशन कर दे। तो इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव उसके साथ है, तो अगर वो ऊपर न्यूमेरेटर में है तो पावर इंक्रीज हो जाती है, और डिनोमेटर में है तो वो लॉग में। तो हमें पता है ये चीज कि ये हमारे पास लॉग जो है, लॉग v का डेरिवेटिव क्या आएगा हमारे पास, 1/v। तो इसका इंटीग्रेशन क्या बन गया भाई, लॉग ऑफ log v = log x, इसलिए कांस्टेंट भी क्या अप्लाई कर देंगे, c। तो वापस वैल्यू पुट कर दें, log v की वैल्यू क्या आ जाएगी, y/x, और यहाँ प्लस है तो इसको मल्टीप्लाई में, देन कैंसिल। तो आंसर आ गया हमारे पास, कौन से वाला हो जाएगा ऑप्शन, इसका c ऑप्शन हो जाएगा, log y/x = xc, यहाँ से। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका ऑप्शन आ गया c। सिंपल से ही क्वेश्चन है, पर थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है और स्पीड बढ़ाने की जरूरत है आपको, बार बार प्रैक्टिस करके। ठीक है, फिर डिफरेंशियल का ही क्वेश्चन दे दिया आपने को, क्या कहता है, कहता है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। पैराबोला पे पूरा ध्यान दे रखा भाई, पैराबोला है पैरलर टू द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरलर है, मतलब कि वाई एक्सिस के पैरलर ये वाला फिगर है या फिर ये वाला। तो इसकी इक्वेशन आपको पता ही है क्या रह जाएगी हमारे पास, यहाँ से x² = 4ay - k, ये चीज आ जाए, क्लियर भाई यहाँ से। क्योंकि अगर y² = हो, दो स्टैंडर्ड हो जाते हैं, y² = 4ax, तो ये यहाँ बनता है, और x² जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, a y जो है यहाँ पे आ जाए तो ये यहाँ पे। पर इसने सिर्फ यही बताया है कि पैरलर है वाई एक्सिस के एट ओरिजिन, नहीं बताया, तो इसलिए स्टैंडर्ड यूज नहीं, ये वाला नहीं, सिंपल ये ले। तो
यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, ये भी चीज यहाँ भी हो सकती है, यहाँ से x माइनस h का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि वर्टेक्स दोनों दे सकता है। तो अब ये कहता है कि यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए, कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन को शो करेगा, तो हमने डेरिवेटिव कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 2 टाइम, यहाँ पे सिंपल बिल्कुल भी आप सिंपल इसको कर सकते थे कि 1, 2 और 3, तीन अगर कांस्टेंट है तो हमारे डेरिवेटिव कितने एग्जिस्ट करते हैं, 3 ही करते हैं, तो आप इसका डायरेक्ट भी आंसर दे सकते थे सी, ठीक है। बाकी इसका डेरिवेटिव कर लो तो 2xh आ जाएगा, 4ay का करेंगे तो dy/dx आ जाएगा। अब यहां से क्या कर सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, तो dy/dx इज इक्वल टू आ गया हमारे पास, ये इधर ले जाएं, 2ax-h, अगेन डेरिवेटिव कर देते हैं x², तो ये हो जाएगा 1/2ax का 1, तो अभी कांस्टेंट नहीं एलिमिनेट हुआ, तो एक बार फिर से इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, तो दीज आर 0 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे तो हमें पता है डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने हमारे कांस्टेंट होते हैं हमें वो एलिमिनेट करने होते हैं, तो यहाँ से डायरेक्ट भी आप पता कर सकते थे, पर इसने थोड़ा ये कंफ्यूजिंग दे दिया कि तीनों में ही 3 डेरिवेटिव है, तो हो सकता था कि 1 या -1 भी आ जाए, तो आपको ड्राइव करके देखना पड़ा फर्स्ट डेरिवेटिव सेकेंड एंड थर्ड पर किसके इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ये। अब देता है ये 22 में, 22 हो गया हमारे पास वेक्टर का क्वेश्चन, क्या कंडीशन दी ध्यान से, कहता है ABC जो है वो यूनिट वेक्टर है, मतलब कि A का मैग्नीट्यूड भी 1 है, B का मैग्नीट्यूड भी 1 है और C का मैग्नीट्यूड भी 1 है, अगर यूनिट वेक्टर है ये हमारे पास, ठीक है, यूनिट वेक्टर। कंडीशन क्या दी, A.B और A.C जो है वो हमारे पास 0, मतलब कि क्या क्या बातें आ रही है, ए और बी के अंदर एंगल कितने का है, π/2 का, क्यों, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि अगर A.B 0 है तो इसका मतलब ए परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, बी के ऊपर। A.C मतलब कि ए और सी के अंदर भी एंगल कितने का आ रहा है, π/2 का, तीन चीजें पता चल गई। चौथी क्या कहता है, बी और सी के बीच का जो एंगल है वो कितना दे दिया उसने, π/6, और वैल्यू किसकी पूछी है, ये कंडीशन। तो इसके लिए जरा ध्यान दें, हम ये वाली आइडेंटिटी यूज कर लेंगे बार बार जो करते हैं, इसका स्क्वायर, तो क्या कर सकते हो इसको, ए का स्क्वायर इनटू में यहां से ये रिजल्ट यूज कर ले कि ए क्रॉस बी का स्क्वायर किसके इक्वल मानते हैं, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस A.B का स्क्वायर, एक तो इस आइडेंटिटी को यूज कर लेंगे, इस फॉर्मूले को, एक हम यहाँ से क्या चीज यूज कर ले कि एक इस चीज को यूज कर लेते हैं कि A-B का स्क्वायर को कैसे खोल सकते हैं, A² + B² - K2 A.B, ये चीज। तो ये रिजल्ट हम यहाँ से क्या करेंगे, दोनों रिजल्ट को इसके अंदर यूज करके सोल्व करेंगे, देखें क्या क्या दिया है हमें वैल्यू में, एक चीज तो दी हुई है कि ए का मैग्नीट्यूड 1 है, बी का मैग्नीट्यूड भी 1 है और सी का मैग्नीट्यूड भी 1 है, ये चीज। A.B और यहां से A.C आपका क्या है, 0 है, तो हमें और बी एंड सी के बीच में हमारे पास π/6 है, तो सबसे पहले फॉर्मूले को कर लेते हैं, A×B - A×C का एक बार स्क्वायर लगा लें यहाँ पे, तो ये पूरा एक वैल्यू काम करेगी, ये पूरी एक वैल्यू, तो क्या आ जाएगी आइडेंटिटी, A×B² + A×C² - 2 × A×B.O(A×C), यहाँ से, ठीक है। और ये सभी सोल्व करने आपको बहुत अच्छे से सिखा रखे हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, एक एक पॉइंट को उठा लो, ए और बी की बात कर रहे हैं तो सबको पहले अलग अलग सोल्व कर लो, क्या कहता है, A×B की बात है तो A×B को क्या लिखा जा सकता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड ऑफ साइन थीटा, और थीटा आपको यहाँ से बताई दिया उसने कितना है, π/2, तो ये इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू भी 1, तो A×B की वैल्यू आपके पास आ गई 1। ऐसे ही आप सोल्व कर सकते हो किसको, यहां से
एक क्रॉस सी को, तो ए का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड ऑफ साइन थीटा, तो ये भी वैल्यू वन, ये भी, और ए और सी के बीच का एंगल भी कितने का है, पाई बाय टू का, तो साइन 91, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई हमारे पास, वन हो गए भाई दोनों सोल्व। रह गई हमारे पास चार की प्रोडक्ट यहाँ पे वैल्यू, तो प्रोडक्ट के लिए क्या करें ये चीज, प्रोडक्ट के लिए जरा सोल्व कर लेते हैं हम यहाँ पे, क्या आ गया पता ही हो, करवा रखा है ये सारा आपको, ए डॉट ए क्रॉस सी, कलर अच्छे से नहीं दिख रहा हो तो ये ले लेते हैं, क्या होता था इसका रूल हमारे पास, क्या करते हैं ए डॉट ए डॉट सी, और यहाँ से ए डॉट ये सॉरी बी डॉट ए और बी डॉट सी, तो अभी आपको पता ही है यूनिट वेक्टर है तो ये वन आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। बी ये आपको वैल्यू इसने जीरो दे ही रखी है, कंडीशन किसकी रहेगी, बी डॉट सी की, तो बी डॉट सी जो है वो यहां से निकाल ले, इनके एंगल पता ही है, तो बी डॉट सी क्या निकलेगा, बी का मैग्नीट्यूड इंटू सी का मैग्नीट्यूड और कोस पाई बाय सिक्स, तो ये वैल्यू वन है, ये वैल्यू हमारी वन है, और पाई बाय सिक्स का मतलब कितना आ गया हमारे पास, ये वैल्यू 60 30, और 30 पे कितना आ जाएगा रूट ये, तो वैल्यू कितनी आ गई √3/2, डिटर्मिनेंट निकालें तो वैल्यू आ गई √3/2, तो अब देखो ये वैल्यू भी आपको मिल चुकी है, इसकी वैल्यू भी मिल गई है, और ये वैल्यू भी, तो जस्ट पुट कर दो, वैल्यू कितनी आई, वन वन माइनस टू √3/2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया 2 -√3, पर ये किसकी वैल्यू थी, स्क्वेयर की वैल्यू थी, हमें चाहिए है ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी की, तो देन इसके ऊपर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, तो हमारा ऑप्शन रह जाएगा डी, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ था, बहुत सारी चीजें निकालनी थी, पर थोड़ा सा ध्यान से करते तो इजी था, सिंपल वैल्यू है दे दिया, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर ये, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, और ये ऐसे तो आपको जो इसके फॉर्मूले अच्छे से लर्न होने चाहिए, तो सिर्फ ही आपको ये कैलकुलेशन करनी पड़ती, बाकी आपको देख के ही पता चल जाता, ठीक है ये जी, ठीक। तो इसके ऑप्शन पे ऊपर आ जाते हैं हम, कौन सा हो जाएगा हमारे पास, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा आ जाएगा, 23, बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया, क्या कंडीशन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, क्या कहता है, प्लेन दे रखे हैं आपके पास, पासिंग थ्रू द वन लाइन, एक लाइन में से पास होते हैं, तो हमें पता है जो लाइन में से पास होते हैं उनका डिटरमिनेंट कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तो सिंपल वही कंडीशन यूज करते हैं, और कुछ नहीं करना था, वन माइनस सी माइनस बी, यहाँ से हो जाएगा सी माइनस वन ए और बी ए माइनस वन, बिल्कुल इजी था, डिटरमिनेंट ही निकाल लो, तो ये चेंज हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो, तो वन माइनस ए स्क्वेयर प्लस सी, तो माइनस सी, वैल्यू सही होगी लेते हैं एक बारी, कितना आ गया, वन माइनस सी माइनस बी हो जाएगा, सी माइनस ए आ जाएगा, बी ये चीज, ठीक है। अब डिटरमिनेंट निकाल लो इसका, यहां से कितना आएगा, वन लेते हैं तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करें, वन माइनस ए स्क्वेयर आ जाएगा, माइनस है तो प्लस सी, ये कैंसिल, तो यहां से करें तो माइनस सी माइनस ए बी आ जाएगा आपका, प्लस ये वहां पे माइनस है हमारे पास, तो माइनस बी करें तो ये ए सी प्लस बी और इक्वल टू जीरो, मल्टीप्लाई कर लें, वन माइनस ए स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी माइनस बी स्क्वेयर, तो हमें ध्यान से देखो पूछा क्या था, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर की वैल्यू, तो ए स्क्वेयर दूसरी तरफ चला गया, बी स्क्वेयर चला गया, सी स्क्वेयर, तो किसके इक्वल रह गया, यहाँ से 1 - 2 टाइम ऑफ ए बी सी के, यहाँ से, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा हमारा ए, आंसर आ जाएगा यहाँ पे, क्लियर, ठीक है। सिंपल कंडीशन थी, तीन प्लेन दे रखे हैं एक ही लाइन के, एक लाइन के ऊपर है, इसका मतलब कॉन्करेंट वाली कंडीशन होगी, कॉन्करेंट वाली कंडीशन के लिए क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो, ये। तो नेक्स्ट में कहता है हमारे पास मीन ऑफ द, क्या दिया भाई, यहां से
ठीक है, क्या कहता है, मीन ऑफ स्क्वेयर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज दिस। पहले फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का मीन जो है वो ये दिया हुआ है, मतलब कि उसने अपने को मीन का फॉर्मूला यूज करना है, तो मीन हो जाएगा सम, यहां से मीन के लिए हमारे पास क्या कह रहा है फॉर्मूला, सम ऑफ डाटा जो भी देगा वो हमें, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ डाटा, ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर ले यहाँ पे, ठीक है। तो किसका सम चाहिए हमें, फर्स्ट स्क्वेयर मतलब कि वन का स्क्वेयर, टू का स्क्वेयर, थ्री का स्क्वेयर, एन नेचुरल नंबर के स्क्वेयर का। तो आपको इसका फॉर्मूला लानी होगा, क्या रहेगा, एन एन प्लस वन, टू एन प्लस वन बाय सिक्स। तो इसका मतलब जो हमारा मीन है 105 किसके बराबर आ गया, एन एन प्लस वन, टू एन प्लस वन बाय सिक्स, और टोटल नंबर कितने लेने हैं, एन लेने हैं। तो सिंपल सी बात है, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, देन क्रॉस कर लो ये चीज, तो 630 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर ले तो टू एन स्क्वेयर प्लस के टू एन, यहाँ से ये करेंगे प्लस एन और प्लस वन, तो एक तरफ ले आओ, तो टू एन स्क्वेयर प्लस के थ्री एन माइनस सिक्स टू नाइन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मिडल टर्म स्प्लिट करके यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एन की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसे ना आती हो तो डायरेक्ट ये वाला तरीका लगा लेना, बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी वाला, तो ये नाइन आ जाएगा हमारे पास, इसकी मल्टीप्लाई कर ले यहाँ से, तो एट आ जाएगा, यहाँ प्लस हो गया आठ से, सात आठ कितना आ जाएगा भी देखना एक बार, टू सेवन नाइन हो गया, गलत नहीं हो जाना चाहिए, एट आ जाएगा हमारे पास, आठ से हाँ ठीक है, तो ये आ जाएगा 5032 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, तो माइनस थ्री ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, माइनस थ्री प्लस माइनस नो 8450, और ये आपको पता ही है, यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे तो माइनस थ्री प्लस माइनस 71 का स्क्वेयर रूट होता है, ठीक है। एक बार प्लस कर लेंगे, एक बार माइनस, तो प्लस वाला ही चाहिए हमें, तो यहाँ से जाएगी वैल्यू, तो ये आ गया हमारे पास 68/4, चार से कट कर लो, तो चार चार से चार, चार एकम चार, यहाँ से 17, ठीक है, सात चौक 28, सही है, ठीक है। तो इसका मतलब आपको एन की वैल्यू मिल गई 17। अब वो क्या कहता है, मीडियन निकालना है, तो मीडियन में ये वैल्यू क्या है, ओड है, तो 17 प्लस 1 बाय 2, तो 18 बाय 2, तो इसलिए क्या आ जाएगा, इसका मीडियन 9 आ जाएगा, ठीक है भाई। थोड़ी कैलकुलेशन थी पर ज्यादा मुश्किल नहीं थी, क्या कर सकते हैं, सिंपल उसने कहा था मीन गिवन था हमारे पास फर्स्ट कितका, एन नेचुरल नंबर के स्क्वायर का मीन गिवन था, तो हमने मीन के लिए फॉर्मूला लगा लिया, वहां से एन की वैल्यू, एन की वैल्यू के बाद आप क्या करेंगे, मीडियन का फॉर्मूला। अगर ये इवन होता तो अलग से फॉर्मूला हो जाता, ओड है तो सिंपल ही है, वन ऐड करना है और टू से डिवाइड करना है, ये चीज। नेक्स्ट किसका आ जाता है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी का, यहाँ से। तो प्रोबेबिलिटी में अब उसने क्या बोला है, कहता है प्रोबेबिलिटी है थ्री, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जीक्यूटिव है। एक्सक्लूसिव का और एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होगा, कि इनका सम हमेशा वन रहेगा और यूनियन अगर इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं रहेगा, बल्कि सभी अलग अलग टर्म्स है, तो अलग अलग ही इनको सोल्व कर लो यहाँ से, ठीक है। तो अलग अलग ही सोल्व कर लेते हैं, क्या क्या वैल्यू दी है इसने हमें, वन माइनस थ्री पी बाय टू, ये जीरो से ग्रेटर होना चाहिए, वन से लेस होना चाहिए, वन प्लस में फोर पी बाय थ्री, जीरो से ग्रेटर होना चाहिए और वन से लेस होना चाहिए, यहाँ पे जीरो से ग्रेटर होना चाहिए, वन प्लस पी बाय सिक्स और वन से लेस होना चाहिए, बस कंडीशन सेटिस्फाई कर, चेक कर लो पी क्या बन रहा है, तो यहाँ से क्रॉस करें तो जीरो से ग्रेटर वन माइनस थ्री पी लेस देन टू आ जाएगा, वन इधर ले जाएंगे तो माइनस वन लेस देन माइनस थ्री पी लेस देन माइनस, तो वन आ जाएगा, नेगेटिव से करते हैं तो वन बाय थ्री ग्रेटर पी, और ये ग्रेटर हो जाएगा माइनस वन बाय थ्री से, फर्स्ट कंडीशन। फिर आ जाते हैं एक सेकंड यहाँ पे, ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ से, तो जीरो से ग्रेटर हो जाएगा वन प्लस फोर पी और लेस हो जाएगा
थ्री से, वन को लेके जाएं तो माइनस वन से ग्रेटर फोर पी और लेस हो जाएगा टू से, डिवाइड कर ले तो वन बाय फोर से पी ग्रेटर होना चाहिए और वन बाय टू से लेस होना चाहिए। ये क्या कहता है, सिक्स है तो जीरो से ग्रेटर वन प्लस पी लेस सिक्स से आना चाहिए, तो माइनस वन पी से ग्रेटर और फाइव से क्या आना चाहिए हमारा, लेस आना चाहिए। तो ये जो कंडीशन है हमारे पास यहाँ पे पी की, तो ये देख लीजिए कौन सी वाली हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन पी की वैल्यू ये वन और ये तो हो ही नहीं सकती क्योंकि उसमें पुट कर लेंगे पांच छह, सेटिस्फाई कर रही है, सही है। तो अब यहाँ से टर्म में देख लो भाई कौन सी वैल्यू, माइनस वन सबसे छोटी वैल्यू यही है, माइनस वन से फोर, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, क्लियर। तो सिंपल सारों को अलग अलग ही आपने सोल्व करना था, तो ये आ जाएगा इसके अंदर हमारे पास बी ऑप्शन, ठीक है। इसकी कंडीशन ये भी चेक कर सकते हो कि इनका सम जो है वो वन आना चाहिए, बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि अगर आप इसमें से यहाँ से सिक्स एलसीएम लेते हो तो ये आ जाएगा थ्री माइनस थ्री नाइन पी, यहाँ से लेते हो तो टू प्लस में एट पी प्लस वन प्लस पी, तो पी से कैंसिल तो सिक्स बाय सिक्स आ रहा है वन, ठीक है। ये तो इसको चेक करने की हमें जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, ऐसे एलजेब्रा का आ जाता है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन, ठीक है, मिनिमल पॉलिनोमियल के ऊपर। तो मिनिमल पॉलिनोमियल के लिए हमारे पास कंडीशन आ जाती है, लीनियर एलजेब्रा का क्वेश्चन हो जाता है ये हमारे पास। तो मिनिमल पॉलिनोमियल के लिए क्या कंडीशन होती है कि जो मैट्रिक्स जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी वही उसकी क्या हो जाती है, मिनिमल हो जाती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा, बल्कि मैट्रिक्स बिल्कुल छोटी दे रखी थी तो सेटिस्फाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, तो बस आपको क्या करना था, सभी इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा के देखना था, ठीक है। तो जैसे इसने क्यूब दिया है तो हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, यहाँ से हर जगह पे क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो ये ए मान ले, अगर इसको हम ए नाम दे दें तो आपका सिंपल काम यही था कि यहाँ पे ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस टू ए माइनस थ्री, यहाँ पे तो सबसे पहले आपको किसकी जरूरत है, ए क्यूब की, ए स्क्वायर की और ए की, तो वो आपको दे ही रखे हैं यहाँ पे, तो करें इसको ये यहाँ। तो ए की वैल्यू आपको क्या गिवन है भाई, ए की वैल्यू आपको गिवन है 003102 और 011। तो आपको पहले ए स्क्वायर निकालना है, मतलब कि आप ए इंटू ए कर लेंगे, तो 003102011 इंटू हो जाएगा 003102011, देन सोल्व कर लें इसको, ठीक है, बिल्कुल इजी वो था। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, ये जीरो आ जाएगा, ये चीज भी जीरो आ जाएगी, प्लस जीरो इससे करते हैं तो पता ही है ये सारे जीरो आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से जीरो प्लस वन प्लस जीरो, नेक्स्ट करते हैं तो जीरो प्लस जीरो प्लस थ्री, जीरो प्लस जीरो प्लस टू, जीरो प्लस जीरो प्लस वन, यहाँ से जीरो प्लस जीरो प्लस थ्री, थ्री प्लस जीरो प्लस टू, और ये आ जाएगा जीरो प्लस टू प्लस वन। तो ये हमारे पास आ गई है 000321 3, यहाँ से 5 और 3, तो ये हमारे पास क्या आ गई, ए स्क्वेयर। अब हमें ए क्यूब चाहिए तो ए स्क्वेयर इंटू ए, तो इसी को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 003102 और 011 से, तो ये मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा भाई,
कितना आ गया, 0 + 3 + 0, 0 + 2 + 0, 0 + 1 + 0, ठीक है। ऐसे तो अगर आप करें, थोड़ा सा आसान करना चाहें, अभी मैं पूरा डिटेल में करवा रही हूँ, पर पेपर में आपको इतना डिटेल करने की जरूरत नहीं थी। अगर आप एक ही कॉलम से भी चेक कर लेते तब भी आपका आंसर सही आ जाता, ठीक है। पर फिर भी मैं पूरा सोल्व करके दिखा रही हूँ आपको। सेकंड से अगर करें तो 0 + 0 + 3, 0 + 0 + 5, 0 + 0 + 3। लास्ट से करें मल्टीप्लाई तो 0 + 6 + 3, 0 + 4 + 5 और 0 + 2 + 3। तो ये सोल्व होके आ गया 3 2 1, 3 5 3 और 9 9 5, ठीक है। सारी वैल्यू आपके पास आ चुकी है, तो आप इक्वेशंस में चेक कर लीजिए। जैसे फर्स्ट पार्ट उठा रही हूँ ए, तो ए में कहता है ए क्यूब माइनस ए स्क्वेयर माइनस 2a - 3, ठीक है। तो मैं सिर्फ पहला ही कॉलम लेके सोल्व करके देख रही हूँ कि होता है क्या। तो इसका पहला हमारे पास क्या आया है, 3 2 1, माइनस ए का ले, इसका स्क्वेयर का ले, तो स्क्वेयर का सोल्व करके आया था हमारे पास ये, तो 0 0 0। फिर चेक कर लेंगे भाई अगला भी हो जाए। माइनस का 2 से करूं तो 0 2 और 0, और फिर आई के साथ करूं तो 3 0। यहाँ से कितनी आ रही है हमारे पास वैल्यू, जरा देखना, यहाँ पे ये 1 आ गया, 3 1 आ गया हमारे पास वैल्यू, इसके अंदर हमारे पास पूरा ही 0 आ गया। इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाएगा और आइडेंटिटी 3 0। यहाँ से तो पूरा ही करके देखना, देखना भाई एक बार यहाँ पे, तो ये वैल्यू थोड़ा सा चेक कर लेना। तो 3 - 3 ये कैंसिल हो रहा है, 2 - 2 और 1 और आ जाएगा, तो ये किसको सेटिस्फाई कर देगा, हमारे ए ऑप्शन को, ठीक है। यहाँ वाली थोड़ा चेक कर लेना, ठीक है। तो सिंपल ही करना था, सिंपल मिनिमल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जिस इक्वेशन को, जिस सबसे छोटी पावर की इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेगा, वही हमारी मिनिमल पॉलिनोमियल हो जाएगी, ठीक है। तो ये, तो यहाँ से इसका आंसर हमारे पास ए आ जाएगा, ये ए को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास इसमें पूछा हुआ था सिंगुलर रिमूवेबल सिंगुलरिटी पोल, और ये कॉम्प्लेक्स के अंदर आता है, ये बहुत डिटेल से सारी चीजें एक एक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो इसका मैं आपको डायरेक्ट ही आंसर बता रही हूँ कि सी ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। एसेंशियल सिंगुलरिटी है ये हमारी, ठीक है। इसको सोल्व करने का तरीका आपको करवाया जाएगा। नेक्स्ट के अंदर क्या कहता है हमारे पास, ये काफी डिटेल है, ये हमारे पास पूरा सोल्व करके देखना पड़ेगा। तो ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज तो लर्न ही होनी चाहिए हमें, ठीक है। कुछ थ्योरम्स बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता पेपर में, बिल्कुल आसान। क्या कहा था, एक कंप्यूटर कंपनी में 25 ऐसे हैं जो एक प्रोग्रामिंग जॉब को अटेंड करते हैं, 40 हमारे पास ऐसे हैं जो एप्लीकेशन प्रोग्राम को हैंडल करते हैं, और 10 ऐसे हैं एक्सपर्ट टू बी हैंडल बोथ, 10 दोनों को ही हैंडल करते हैं, तो टोटल बताना था। तो आपको पता ही है क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो कितना आ जाएगा, 25 + 40 - 10, मतलब कि 25 + 30 = 55, तो ये आ जाएगा 55। सिंपल, ठीक है, बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन है। क्या कहता है, कहता है ए और बी, तो बस इसको तो बना लेना तो आसान रहेगा। A1 A2 A3, इसमें दिया था B1 B2 B3, क्या मैपिंग दी है, A1 जो है वो किसके ऊपर जा रहा है, 2 पे, तो A1 जो है वो B2 के ऊपर जा रहा है, A2 जो है वो B3 के ऊपर जा रहा है, और A3 1 1 के ऊपर, ठीक है। तो एक एलिमेंट एक के पास जा रहा है, 1 1 हो गया, और कोई भी बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, तो ये हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास ऑन 2 भी हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास 1 1 भी हो गया और ऑन 2, तो कौन से में है, 1 1 एंड ऑन 2, ए ऑप्शन के अंदर, ठीक है। बनाने के बाद बिल्कुल आसान हो गया। नेक्स्ट में क्या कहता है, नेक्स्ट बड़ा समझने वाला क्वेश्चन था भाई, ठीक है। शुरू में तो एक बार देख के ऐसे लग रहा है कि ये क्या ऑप्शन दे दिए इसने, ये चीज तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। ठीक, क्या कहता है स्टेटमेंट में, ध्यान से देखना पड़ेगा हमें, क्या कहता है,
टू जो है वो डिवाइड करता है टू एन प्लस वन को, पर हमें पता है कि टू एन प्लस वन तो एक ओड वैल्यू है, ठीक है, तो टू तो इसको डिवाइड नहीं कर सकता। तो अब किस पे जाए, प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन का क्वेश्चन था, तो ध्यान से पढ़ो। कहते हैं पी एन इज ट्रू फॉर एवरी इंटीजर, कहते हैं पी एन हमेशा ट्रू रहेगा हर इंटीजर के लिए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि टू जो है एक ओड नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता। फिर कहते हैं पी एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 10, हो ही नहीं सकता क्योंकि टू जो है वो डिवाइड करे 10 अगर रखे तो 21, नहीं कर सकता, ये भी नहीं था। फिर कहते हैं पी एन अगर जो है एवरी इंटीजर 10 को छोड़ के, फिर भी नहीं हो रहा। तो अब इसके अंदर क्या चीज है, तो ध्यान से देखें, तो प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर कभी n जो है pn, अगर वो हमारे पास, हम मान लेते हैं कि वो m के लिए ट्रू है, तब देन तब वो n m प्लस 1 के लिए हमेशा क्या होती है, ट्रू। मतलब कि अगर वो m के लिए ट्रू नहीं है तो वो आगे भी ट्रू नहीं होगी। तो वही चीज इसने इसके अंदर डाल के बताई है, ठीक है, इम्प्लेक्स वर्ड दे दिया कि अगर कभी भी m के लिए ट्रू हुई तो m प्लस 1 के लिए ट्रू है, अगर m के लिए नहीं हुई तो m प्लस 1 के लिए भी नहीं होगी। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छे तरीके से बनाया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन को देखते ही पता चल रहा है कि 2 कभी भी डिवाइड नहीं कर सकता, तो नॉट डिविजिबल वाली आपको कंडीशन नहीं दी इसने। इसने क्या कहा, उसको प्रिंसिपल मैथमेटिकल की डेफिनेशन को ही बताया कि Pn तभी ट्रू हो जाए, अगर वो ट्रू होगा तभी हमारी कंडीशन क्या रहेगी, n प्लस 1 के लिए, ये चीज, ठीक है। यहाँ से मल्टीप्लाई दे दी, क्या कहता है, नंबर ऑफ द 7 पर्सन ऑफ द कमेटी, एक कमेटी में 7 पर्सन चूज करने हैं, 20 वुमेन है, तो आपको पता ही है सिलेक्ट के लिए कम्बिनेशन होता है, 3 हो जाएंगे इसके अंदर, यहाँ से 30 में से जो है वो 4 हो जाएंगे। तो सिंपल आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी है भाई, कर लेना, कितना आ जाएगा, 20 × 90 × 18 / 3 × 2 × 1, इसका आ जाएगा 30 × 29 × 28 × 27 4 × 3 × 2 × 1। तो ये कट कर लो भाई, 3 × 6 = 18 आ जाएगा, यहाँ से 4 से 28 आ जाएगा, 3 से 10 आ जाएगा, ये हमारे पास, और कोई कर रहे हैं क्या, यहाँ से 2 से करेंगे तो ये 5। तो सिंपल इसकी मल्टीप्लाई कर लेना, कुछ भी नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास सी, ये चीज, ठीक है, मल्टीप्लाई इतनी बड़ी दे दी यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं 32 पे, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन दिया था, सिंपल सा, कुछ भी नहीं करना था। क्या कह रहा है, कहता है द कॉम्प्लेक्स है किसके इक्वल है, तो इक्वल के लिए बस अपने को रैशनलाइज ही करना है, 8 + 3 आयोटा, तो यहाँ से 8 - 3 आयोटा डिवाइड बाई 8 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आ जाएगा 16 - यहाँ से 56 आयोटा, माइनस करेंगे तो 6 आयोटा प्लस 21 आयोटा स्क्वेयर डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 64 - 9 आयोटा स्क्वेयर, तो ये वैल्यू इसके साथ आ जाएगी, तो आयोटा स्क्वेयर माइनस होता है, तो 16 में से 21 गए तो -5 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो 62 आयोटा, आयोटा स्क्वेयर प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 73, तो देन फर्स्ट आंसर आ जाएगा, क्लियर, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस तो इजी भी थे यहाँ पे, ठीक है, इस पेज के अंदर जो है, इससे आगे जो है सारे इजी ही क्वेश्चन थे। क्या देता है, कहता है ये वैल्यू दे रखी है सिंपल एक्स की वैल्यू, कुछ भी ज्यादा नहीं दिया, सिंपली कैलकुलेशन, तो -5x < हो जाएगा -11 - 19, तो -5x < हो जाएगा, दोनों को माइनस कर लो भाई, तो 9 × 10 हो जाएगा 30, -5 से डिवाइड करोगे ग्रेटर का साइन आ जाएगा 6 से, तो 6 से बड़ी जो इंटरवेल है हमारे पास, और इक्वल का साइन है इसलिए क्लोज ब्रैकेट आ जाएगी। कोफिशिएंट ऑफ द मिडल टर्म, ये भी बिल्कुल इजी पूछा हुआ है, इसकी मिडल टर्म पूछी है, तो मिडल टर्म आपको पता ही है कि मिडल टर्म का क्या फार्मूला होता है हमारे पास, ठीक है, मिडल टर्म का जो n है यहाँ पे, ठीक है, तो आपको पता ही है ऐसे सिंपली, अगर पावर इवन है तो एक टर्म बढ़ के 5 आएगी, और 5 अगर टर्म है यहाँ से, तो ये चीज कितनी हो जाएगी, कितना करना होता है, बाय 2 + 1,
बल्कि 4 बाय 2 प्लस 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगी, थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म आपने निकालनी थी सिंपल सी, तो थर्ड टर्म के लिए 4c2 आ जाएगा, तो 2x की पावर 2 एंड -7 की पावर 2, तो ये आ जाएगा 4 × 3 2 × 1, 2 × 4x² × 49। तो जरा सा ये भाई कैलकुलेशन इसकी कर लेना, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, 11 11 7 6, ठीक है, सिंपल सी मल्टीप्लाई थी। नेक्स्ट में क्या कहता है भाई, ज्योमेट्रिकल सीरीज है जो कि कन्वर्जेंट है हमारे पास, किसके लिए कन्वर्जेंट है, ये हमारे पास वैल्यू 1 / 1 - x के लिए कन्वर्जेंट है। तो जरा चेक करते हैं इसको, ये कैसे दे रखा है, ध्यान से देखें क्या दिया हुआ है, 1 + x + x² + xn 3। तो मान ले इसको xn तक अगर हम ले जाएं, तो साफ दिख रहा है जीपी है, तो सम इसका क्या हो जाएगा, 1, यहाँ से 1 - x की पावर n, 1 - x, ये टर्म आ जाएगी क्योंकि आगे 1 - x है। अब इसके अंदर ध्यान दो, लिमिट n अप्रोच किसको करेगी, इन्फिनिटी को। तो यहाँ से सोच के करना था आपको कि आपका आंसर 1 / 1 - x आना चाहिए, क्योंकि इसने कह रखा है कि वो कन्वर्जेंट 1 / 1 - x पे है, मतलब हमारा सारा ध्यान था इसके ऊपर, मतलब कि लिमिट n अप्रोच इन्फिनिटी xn करूं तो रिजल्ट मेरा क्या आना चाहिए, 0, मुझे ये चाहिए था, ठीक है। तो आपके पास यहाँ प्रॉपर्टी होती है, एक हम करवाते हैं सीक्वेंट एंड सीरीज का, ये क्वेश्चन है आपका, समझ लो 0 1 और आगे, अगर कोई भी वैल्यू आपकी 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है, यहाँ पे लाई कर रही है, ठीक है, वो आपकी कहाँ लाई कर रही है, 0 और 1 के बीच में x, ठीक है, तो इसकी पावर जितनी जल्दी इन्फिनिटी पे जाएगी वो वैल्यू उतनी ही जल्दी किस पे चली जाएगी, 0 पे, ठीक है, समझ सकते हो। अब मान लो x की वैल्यू आपके पास 1/2 है 0 से, तो अगर आप इसकी पावर करते हो, स्क्वेयर करते हो तो 1/4 आएगा, क्यूब करते हो तो 1/8 आएगा, 4 करते हो तो 1/16, तो कहाँ जा रहा है ये आपका वैल्यू, कहाँ जाने लग रही है, पहले आपकी हाफ थी, फिर आपकी 1/4 पे आई, फिर 1/8 पे, 16 पे, धीरे धीरे किसकी तरफ जा रही है, 0 की। बट अगर इसके बाद है, मान लो x की वैल्यू अगर 2 है, तो x स्क्वायर करोगे तो 4, x क्यूब करोगे तो 8, मतलब कि वो बहुत जल्दी जल्दी कहाँ जा रही है, इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये रिजल्ट होता है, हम रिजल्ट ही करवाते हैं आपको याद, कि अगर x की पावर n है तो वो 0 पे तभी जाएगा जब x लेस देन हो 1 से, और n जो है वो इन्फिनिटी पे जाएगा जब वो ग्रेटर हो किससे, 1 से। तो हमें कन्वर्जेंट करना था, तो कन्वर्जेंट के लिए हमें 0 चाहिए था, और ये तभी 0 आएगा जब x लेस देन हो किससे, 1 से। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसके अंदर डी पार्ट, ठीक है। तो इसको सोल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, रिजल्ट अगर आपको याद हो तो, ठीक है, यहाँ से ये रिजल्ट, ठीक है, ये चीज। नेक्स्ट में क्या है हमारे पास, नंबर थ्योरी से क्वेश्चन है ये हमारे पास, कितना कहता है, नेचुरल नंबर ऑफ फाई एन, फाई एन क्या होता है, एक फाई एन फंक्शन होता है जिसमें हमें क्या करना होता है, अगर हमारे पास एन है तो हम उसके प्राइम फैक्टर बना लेते हैं, प्राइम फैक्टर जैसे p1 की पावर n1, p2 की पावर n2, ऐसे करके pn या r तक ले लेते हैं, n r, तब इसका फॉर्मूला हो जाता है n/1 - 1/p1 1 - p2, ऐसे ही चलता जाता है फाई फंक्शन। तो अब हमारे पास इसने कितना दिया हुआ था, 60 दिया हुआ था, तो प्राइम फैक्टर अगर इसके बनाते हैं 30 आ जाएगा, 2 से 15 आ जाएगा, 3 से 5, तो इसका मतलब फाई के अंदर आ गया 2 की पावर 2 3 और 5, तो आंसर आ जाएगा 60 × 1 - 1/2, 1 - 1/3 और 1 - 1/5, तो 60 × 1/2, 1 2/3 और यहाँ से 4/5, ये कैंसिल कर लो, 5 यहाँ से ये हो जाएगा 3 से 20 और 5 से 4, तो दीज आर 60, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 60, ठीक है।
डायरेक्टली पूछा हुआ है, फाइव फंक्शन है, नंबर थ्योरी का टॉपिक है ये हमारे पास, फाइव फंक्शन, बस फार्मूला अगर याद था तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। या 37 में क्या कहता है अब हमारे पास, 37 कहता है वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपका एक रूट उसने दे दिया और के की वैल्यू पूछी है, सिंपल सी यहाँ से, तो एक रूट उसने दे ही रखा है 1/2, दूसरा अल्फा बना ले, तो अगर आप सम ऑफ रूट लोगे तो 1/2 प्लस अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, k/4 के, और अगर आप प्रोडक्ट निकालते हो तो 1/2 अल्फा इज इक्वल टू -5/4, तो 2 से कैंसिल, अल्फा की वैल्यू आ गई -5/2, अल्फा की वैल्यू पुट कर दो भाई, 1/2 -5/2 इज इक्वल टू k/4, तो कितनी वैल्यू बन रही है, एलसीएम ले ले यहाँ से जरा वैल्यू के लिए, k/4 इक्वल टू हो गया 2 एलसीएम -4, तो k इज इक्वल टू -16/2, 2 से 8, तो ये आ जाएगा हमारे पास -8, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था हमारे पास, सिंपल सा, सीधी सी वैल्यू दे रखी थी इसने, कितनी, एक रूट दिया हुआ था, एक हमने मान लिया, सम ऑफ रूट निकाल लिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लिया, और प्रोडक्ट और रूट दोनों की इक्वेशन को सोल्व करके के की वैल्यू। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें क्वेश्चन, मैट्रिक्स का ही क्वेश्चन था, सिंपल सा ही था, थोड़ा सा लेंथी जरूर था, लेंथी तो काफी था क्योंकि क्यूब पूछ लिया इसमें यहाँ पे, ठीक है, मतलब कि ये ए क्यूब और यहाँ से फिर सेटिस्फाई करवाना था, ठीक है, यहाँ पे तो ए क्यूब का मतलब अब आपको पता ही है, ये चीज तो कोई मुश्किल नहीं थी इसमें से, तो 1 1 3 1 3 -3 -2 -4, तो इसको ही पहले दोबारे मल्टीप्लाई कर लोगे, 1 1 3 1 3 -3 -2 4 -4 से यहाँ से, ठीक है, तो एक क्यूब बना के रख लेंगे, उसके बाद देख लेंगे कि कौन सी कंडीशन में वो सेटिस्फाई करता है, ठीक है, तो इसका मैं आपको आंसर बता देती हूँ, ए, ठीक है, ए को सेटिस्फाई कर रहा है ये हमारे पास, ठीक है, आप इसको एक बार सोल्व करके देख लेना, तरीका बता दिया आपको, पहले ए स्क्वेयर बनाओगे, ए इंटू ए, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल ही, ठीक है, फिर ए क्यूब बना लेंगे, ए स्क्वेयर की मल्टीप्लाई किससे करके, ए से, क्या, ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं, इस क्वेश्चन पे भी ऑब्जेक्शन है क्योंकि इसका जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो सभी गलत है, ठीक है, सारे ही ऑप्शन गलत हैं इसके हमारे पास, ठीक है, क्वेश्चन तो इजी था पर ऑप्शन सारे ही गलत है, क्या कहते हैं, वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का आपको वर्टेक्स बता दिया गया है 1 1, और कहते हैं मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड थ्रो दिस वर्टेक्स, इस वर्टेक्स से जो दो लाइनें निकली हैं उनके आपको मिड पॉइंट बता दिए गए हैं, ठीक है, वो भी हो गया -1 2 और 3 -2, अब कहता है इसका सेंट्रोइड बताओ, तो सेंट्रोइड के लिए हमें वर्टेक्स चाहिए, तो वर्टेक्स के लिए हम मान लेते हैं कि इसका वर्टेक्स एक्स और वाई है, इसका वर्टेक्स एक्स डैश और वाई डैश है, तो मिड पॉइंट से बिल्कुल इजीली निकाल सकते हैं, क्या करेंगे यहाँ पे, तो ये हमारा एक ट्रायंगल हो गया जिसका वर्टेक्स हमारे पास है 1 1 1 1, और इसका जो मिड पॉइंट है वो हमारे पास है -1 और 2, तो पहले इसी को सोल्व कर लेते हैं एक्स वाई, तो मिड पॉइंट के हिसाब से तो x+1/2 -1 के इक्वल आना चाहिए और y+1/2 2 के इक्वल, तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी आ गई -2 -1, तो x=-3, यहाँ से आपके पास y=4 माइनस, तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 3, मतलब कि हमारे पास एक 1 1 है तो b हमने बना लिया -3 और 3, अब इसको सोल्व कर लेते हैं x-y-, तो इसका सेंटर जो है मिड पॉइंट दिया हुआ है 3 और -2, तो इस हिसाब से x-+1/2 3 होना चाहिए, तो x-6-1, तो x- कितना आ जाएगा आपके पास 5 आ जाएगा, यहाँ से y-+1/2 = -2, तो y-=-4-1, तो y-5 आ जाएगा, तो इसका मतलब c कोऑर्डिनेट आपके पास आ गया हमारे पास सोल्व करके 5 एंड -5, अब आप इजीली सेंट्रोइड निकाल सकते थे, तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3 / 3,
वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री डिवाइड बाई थ्री। तो कर ले इसको सोल्व, कोऑर्डिनेट सारे पता है आपको, 1 माइनस 3 प्लस 5 बाई 3 और 1 प्लस 3 माइनस 5 बाई 3, तो 5 और 1 6, तो ये हो जाएगा 3 बाई 3 और यहाँ से हो जाएगा -1/3, तो ये आएगा 1 और -1/3 जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्शन के लिए रहेगा यहाँ पे, पर फिर भी मैंने आपको सोल्व करके बता दिया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कोई भी नहीं दे रखा यहाँ पे, बस इससे हम थोड़ा सा मिला सकते हैं इसको यहाँ पे, क्योंकि पहला इसमें ही 1 है। ठीक है, इसमें 1 है तो 1 और -1/3 इसका ऑप्शन होना चाहिए था। ये नेक्स्ट में तो बिल्कुल इजी साफ सी है, वैल्यू ऑफ दिस सीरीज, तो आपको पता ही है ये सारी वैल्यूज आपस में क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाएंगी सारी कैंसिल, सिर्फ एक टेंजेंट 45 बचेगा मिड के अंदर, और टेंजेंट 45 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 1 हो जाएगी देन। ठीक है, नेक्स्ट में क्या कहता है, डोमेन बताएं इनवर्स में, यहाँ से तो आप टेबल इनवर्स की टेबल लर्न करवाई हुई है कि डोमेन जो है वो कितना होगा, -1 से greater 2x/3 और लेस रहना चाहिए किसके, 1 से, क्योंकि साइन की जो वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच में ही रहेगी डोमेन में। अब बस x बना लो भाई, क्रॉस कर ले तो -3/2 से ग्रेटर और लेस हो जाएगा हमारे पास 3/2 से यहाँ पे, तो इसका ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा कौन सा, ये। ठीक है, क्या ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास, ये क्या किया अभी आपने कि -1 से ग्रेटर है, -1 से ग्रेटर होना चाहिए 2x/3 और लेस होना चाहिए 1 से, तो रेसिप्रोकल हो गया 3/2 से ग्रेटर और 3/2 से लेस माइनस से, तो सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है भाई, 42 में तो सिंपली डेरिवेटिव पूछा है dy/dx, तो याद होगा टेंजेंट का क्या होता है, सीकेंट स्क्वेयर 5 - sin 2x इंटू 5 का 0 और साइन का क्या हो जाएगा, cos 2x into 2, तो यहाँ पे कौन से में आ जाएगा, एक तो 2 आगे आना चाहिए और माइनस वाला, तो ऑप्शन इसके अंदर हमारे पास ये ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, -2 cos x और सेकेंड के एंगल में क्या होगा, 5 माइनस, सिंपल सा। नेक्स्ट में क्या कहता है, 43 के अंदर तो 43 हमारे पास है, 43 के अंदर कहता है कि x square fx, ये दिया हुआ है, मीन वैल्यू थ्योरम पूछी है सिंपल सी, तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए मीन वैल्यू थ्योरम का, क्या लगता है, fb - fa/b - a, तो आप इसका डेरिवेटिव कर ले, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास आ रहा है 2x, तो ये आ जाएगा 2c = a, ये है b, ये तो f2 - f0/2 - 0, तो c की वैल्यू निकालनी है तो 2c, 2 अगर फंक्शन में पुट करेंगे 4 हो जाएगा, 0 में 0, 2 - 0, तो ये आ गया 2, तो c = 2/2, तो c की वैल्यू होगी हमारी 1, डी ऑप्शन आ गया। ठीक है, डायरेक्ट ही मीन वैल्यू थ्योरम पूछी हुई थी, मीन वैल्यू थ्योरम ये कहती है कि डेरिवेटिव जो है वो किसके बराबर हो जाता है, fb - fa/b - a के इक्वल हो जाता है। नेक्स्ट में क्या आता है, नेक्स्ट में भी सिंपल ही इंटीग्रेशन पूछ लिया, तो साइन स्क्वेयर अगर दिया हुआ है तो साइन स्क्वेयर को आप क्या लिख सकते हो, 1 - cos 2x/2, तो ये 1/2, एक 1 का x हो जाएगा, cos का क्या हो जाएगा, sin 2x/2, 2 2 4, सी, तो ये हमारा डी ऑप्शन आ गया। इंटीग्रेशन बस फार्मूला याद होना चाहिए, साइन स्क्वेयर को क्या लिखा जा सकता है, 1 - cos 2x, एंगल डबल हो जाता है। ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्शन के लिए है, एरिया पूछा हुआ है इसने और लिमिट जो है वो इसकी कितनी दे दी, 0 to 3, अगर हम 0 to 3 इसको सोल्व करते हैं तो इसका कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता हमें,
ठीक है। कंडीशन अगर इसकी देखें, देखो अगर हम इसकी टेबल बनाते हैं, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, तो 0, 1, 2 और 3। अगर यहाँ 0 रखते हैं तो ये वैल्यू 4 आ जाएगी, 1 अगर रखते हैं तो 3 आ जाएगी, और 2 पे क्या हो जाएगी, 0। और 3 के ऊपर कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास यहाँ से 9, तो -5। मतलब कि जो इसका ग्राफ बनेगा हमारे पास 1, 2, 3 का, तो पोर्शन जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव आएगा, ऐसे जा रहा है। तो कुछ पोर्शन पॉजिटिव है और कुछ पोर्शन नेगेटिव है। अगर हम इसे दोनों तरीके से बता रही हूँ यहाँ पे, तो देखें तो हमारे इसके हिसाब से जो इसका ग्राफ है वो इस टाइप से बनेगा। यहाँ पे 2 पे सेंटर, तो इसका अगर सही करें तो 0 से 2 और 2 से 3 का सब डिवाइजेशन आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ हमारे पास पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के लिए हमारे पास क्या रहेगी, 4 - x² dx प्लस, यहाँ नेगेटिव हो जाएगी, 4 + x² dx। इंटीग्रेशन अगर करते हैं तो 4x x³/3, लिमिट हो जाएगी 0 to 2। यहाँ पे करें तो -4x x³/3, 2 to 3। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सोल्व करेंगे सिंपल, तो 8 - 8/3, -0 ही आ जाएगा सारा। इसके अंदर करते हैं तो माइनस के 12 - 20 + 27 3, -के 8 और प्लस यहाँ से 8/3 यहाँ से। तो सोल्व ध्यान से देखो, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 * 3 = 24, 24 में से 8 गए तो 16/3। इसको अगर सोल्व करते हैं तो 3 से कट जाएगा 9, तो ये आ जाएगा -3। यहाँ से करते हैं तो 24 फिर से आ जाएगा, ये हमारे पास 16/3। तो 3 एलसीएम ले लें, 16 - 9 + 16 32, और 32 में से 9 माइनस कर लेंगे तो 23, 23/3 इसका आंसर आना चाहिए जो इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। बट इसके अंदर जो है हमारे पास, इसने ये ऑप्शन नहीं है, हाँ अगर इसकी स्टेटमेंट को हम 0 से 2 रखते हैं, और अगर ये इसने जैसे आगे बोला है x एक्सिस अबो, अगर वो बोल देता अबो वर्ड होता तब भी हम यहाँ तक सोल्व कर लेते, और यहाँ से सोल्व करने से इसका आंसर आ जाता 16/3, जो कि ऑप्शन इन्होंने कहा हुआ, ठीक है। तो पूरा भी मैंने आपको सोल्व कर दिया है, और जो इसकी गलती अगर वो ठीक करते हैं तब भी हम सोल्व कर सकते हैं ये चीज। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, यहां से कितना कहते हैं, थीटा एंगल है ए और बी के, बिल्कुल इजी सिंपल सी, दोनों की फॉर्मूले लगा दो भाई। ए क्या लिखा था, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड ऑफ साइन थीटा इक्वल आएगा ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। तो ये पोर्शन इससे कैंसिल हो गया, साइन बाय कोस कितना आ गया, टेंजेंट थीटा 1, और 1 किसके ऊपर होता है, पाई बाय 4 पे, 45 के, ठीक है। यही कहता था कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, कोऑर्डिनेट जो है पॉइंट बताओ इंटरसेक्शन लाइन के यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे इस पेज तक आज कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट आगे करेंगे। क्या कह रहा है इसके अंदर, कहता था कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, वो पॉइंट निकालो जो हमारे पास इस लाइन को इस प्लेन के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं। यहाँ पे तो सिंपल सी लाइन दी हुई है, x + 1/1, y + 3/3 और z + 2/-2। तो इसको लैम्डा के बराबर रख लेते हैं, पहले एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो एक्स की वैल्यू होगी λ-1, वाई की वैल्यू होगी 3λ-3 और जेड की वैल्यू होगी -2λ-2। और ये क्या कर रहा है, प्लेन को इंटरसेक्ट, तो प्लेन को सेटिस्फाई करेगा 3x + 4y + 5z = 5। पुट करते जाओ, 3λ-3 यहाँ से 12λ-12 -10λ-10 = 5। तो लैम्डा लैम्डा सोल्व कर लो भाई, कितना आ जाएगा, 15 - 15 में से 10 तो 5λ। इसको जरा दूसरी तरफ ले जाओ, ये 15 - 25 तो वहां जाके हो जाएगा -30, ठीक है ना।
12 और 3 15 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 30। तो लैम्डा की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 6। और लैम्डा की वैल्यू इक्वेशन में पुट कर दे यहाँ पे, तो 6 माइनस 1 5 आ जाएगा, यहाँ से 6 थी 18 में से 3 15 आ जाएगा, तो 6 12, 12 में से 2 तो यहाँ पे माइनस 10 आ जाएगा, ठीक है। यानी माइनस माइनस है दोनों, तो 14 आ जाएगा, ठीक है ना। 12 माइनस 2 तो माइनस 14 आ जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कहता है, सेक्शन ऑफ द स्फीयर, एक स्फीयर का सेक्शन, सेक्शन का मतलब होता है काटना, अगर हम उसे कट कर रहे हैं, ठीक है, एक सर्कल दे दिया और उसे क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, तो किसकी शेप बनेगी, सिंपल सी है, दिखी रही है आपको यहां से, कि ये अगर आपके पास सर्कल है, अब आप इसको यहां से कट, स्फीयर है इसको कट कर दिया, तो यहां से अगर हम इसे कट करें तो देखो ऐसा ही नजर आएगा ना, और ये किसकी शेप है, सर्कल की शेप है आपकी, ठीक है, यहां से। तो ये हमने क्वेश्चन जो है 48 तक कर लिए हैं, यहाँ पे आज यही तक करते हैं। उसके बाद प्रोबेबिलिटी के ये क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, ठीक है। तो आज हमारे पास 48 क्वेश्चन कंप्लीट, लगभग आपके 30 क्वेश्चन और रह गए हैं, जो नेक्स्ट में हम कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।